हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? बस बस थोड़ा सा ही बचा है, उधर ज़्यादा ही आगे हो गया। राजगोपालचारी फॉर्मूला भी करवा दिया होगा, करवा दिया ना, कि जब इन्होंने कहा था एक यूनियन होगा और दो फेडरेशन होंगे, इकोनॉमिक पॉल। नहीं 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 ये राजगोपालचारी फॉर्मूला नहीं हुआ होगा। हमने ये पढ़ा था कि पाकिस्तान के डिवीजन के बाद, हमने ये पढ़ा कि पाकिस्तान के डिवीजन के बाद जब से पाकिस्तान की बात उठने लगी कि पाकिस्तान पाकिस्तान होना चाहिए करके उठने लगी, तो फिर आई बात दो नेशन थ्योरी कि दो नेशन होने चाहिए, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, लाहौर सेक्शन 1940, ऑब्वियसली आप सेक्शन का बड़ा तो मतलब समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस का सेक्शन। ठीक है, मुस्लिम लीग टू, मुस्लिम लीग ने दो नेशन थ्योरी पास कर ली। दो नेशन थ्योरी का मतलब है कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग नेशन होंगे। ठीक है, द थ्योरी सेड हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर नॉट ओनली टू रिलीजन, हिंदू और मुस्लिम दो रिलीजन ही नहीं है, दो धर्म नहीं है, बट दो नेशंस हैं। देखो अभी सोसाइटी में कितना हिंसा फैल चुका था, दो धर्म है, टू रिलीजन में कोएक्सिस्ट, दो धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं, बट दो राज्य के लोग एक साथ रहना बहुत मुश्किल है। तो पाकिस्तान प्रपोजल को पास किया कि पाकिस्तान एक नया राज्य होना चाहिए। ये लाहौर सेक्शन 1940 में हुआ था, जिसमें ये कहा हिंदूज और मुस्लिम्स दो रिलीजन है, दो सेपरेट रिलीजन है। ठीक है, दो धर्म के लोग साथ में रह सकते हैं, बट दो सेपरेट रिलीजन के लोग, दो धर्म के, हाँ नेशन, नेशन मतलब राज्य के लोग साथ में नहीं रह सकते, ये टू नेशन थ्योरी थी। अब समाज में बहुत भारी मात्रा में हिंसा फैल रही थी, अगर आप वेस्ट बंगाल की बात करें, हर जगह मुस्लिम्स ब्रिटेन्स जानबूझ के डिवाइड एंड रूल का पंगा कर रहा था, दैट मींस हिंदू और मुस्लिम के डिवीजन की कोशिश कर रहा था। अब 1944 में राजगोपालाचारी ने एक फॉर्मूला दिया। ठीक है, राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी ने, इन्होंने कहा हमारे समाज में कम्युनलिज्म फैल रहा है, कम्युनलिज्म मतलब हिंदू मुस्लिम्स के बीच में प्रॉब्लम्स, इस प्रॉब्लम को हर हालत में हमें सॉल्व करना ही होगा। सी राजगोपालाचारी प्रेजेंटेड अ सॉल्यूशन टू डेडलॉक, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया। अब दो चीज़ें इनके सामने हैं, एक ब्रिटिश से आज़ादी पाना, दूसरा हिंदू मुस्लिम के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, या इंडिया पाकिस्तान के विभाजन को सॉल्व करना। अब मुस्लिम लीग शुड कॉर्पोरेट विद कांग्रेस इन गेटिंग इंडिपेंडेंस, इन्होंने साफ साफ बोला कि मुस्लिम लीग को हमारी मदद करनी चाहिए किसमें, आज़ादी पाने में ब्रिटेन से। आफ्टर इंडिपेंडेंस वी विल डिस्कस अबाउट पाकिस्तान, पहले हम आज़ादी ले लेते हैं दोनों मिलके, फिर सोचेंगे। इफ पाकिस्तान इज क्रिएटेड, अगर पाकिस्तान बनता है, इंडिया एंड पाकिस्तान वुड बी टू फेडरेशन बट वन यूनियन, कहने का मतलब है एक पाकिस्तान होगा एक इंडिया होगा, ये अलग अलग होगा, दो देश होंगे बट एक ही साथ इनके कुछ काम होंगे, जैसे डिफेंस दोनों देश का एक होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम एक होगा, फॉरेन पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी ये सारी एक होगी। देखो कॉमन डिफेंस होगा, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, जो रुपए है और करेंसी है वो भी एक होगा, मतलब एक ही यूनियन होगा बट दो अलग अलग फेडरेशन होंगे, बाकी सारा सब कुछ अलग अलग होगा। समझ में आ गया? इस फॉर्मूला के बेसिस में गांधी जी ने, इस फॉर्मूला के बेसिस में गांधी जिन्ना ने आपस में बात करी। ठीक है, कि गांधी ने जिन्ना को, गांधी जी को राजगोपालाचार्य ने बोला कि आप बुजुर्ग व्यक्ति हो, आप क्या बोलते हैं, जिन्ना से बात करो, जिन्ना मुस्लिम लीग के बड़े लीडर हैं। तो जिन्ना ने बोला नहीं भाई मैं नहीं मानता, पहले पार्टीशन, पहले हम दोनों के बीच में बंटवारा होगा, फिर हम ब्रिटिश से बात करेंगे। राजगोपालाचार्य फॉर्मूला समझ में आ गया? वेवेल प्लान 1945, वेवेल प्लान, वेवेल ने
मैनी लीडर्स ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स और मुस्लिम लीग के लीडर्स को शिमला में इनवाइट करा, ठीक है। एज पर हिज प्लान द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड प्रेजेंटेड द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। इन्होंने अपने प्लान के तहत ये बोला कि पहली बार ये भारत को अपना पावर ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ पावर। कहाँ थे भाई? इन्होंने क्या बोला, वेवेल ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन वुड कॉन्स्टिट्यूट ओनली एक्सेप्ट मिलिट्री कमांडर। वेवेल ने बोला कि वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सारे लोग इंडियन होंगे, बस एक इंसान को छोड़ के, कौन? मिलिट्री कमांडर, ठीक है। देर वुड बी इक्वल नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स इन द काउंसिल। इन्होंने बोला कि 1945 में जो वेवेल ने प्लान दिया था, इन्होंने बोला कि इक्वल नंबर ऑफ जो अगर वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 10 मेंबर हैं तो 5 हिंदूज होंगे और 5 मुस्लिम होंगे। इनिशियली बोथ एक्सेप्टेड द वेवेल प्लान, पहले दोनों ने एक्सेप्ट करा, बट सडनली द मुस्लिम लीग पुट फॉरवर्ड अ कंडीशन दैट मुस्लिम्स इन द वाइस रॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल ओनली बी नॉमिनेटेड बाई मुस्लिम लीग, नॉट ओनली बाई कांग्रेस। अब देखो, पहले तो मुस्लिम लीग भी मान गए, ठीक है भाई 5 हमारी तरफ से हो गए तो 5 उनकी तरफ से हो गए। अब एक बात याद रखो कि कांग्रेस में भी कुछ ऐसे मुस्लिम धर्म के लोग थे जो कि कहते थे कि हम मुस्लिम लीग का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो, वो चाहते थे कि सारे एक साथ रहे। तो उन्होंने क्या बोला, जो कांग्रेस वाले लोगों ने बोला, ठीक है कुछ मुस्लिम हमारी तरफ से ही हो जाएंगे। अब मुस्लिम लीग ने क्या बोला, नहीं कांग्रेस से खाली हिंदू के लोग होंगे और मुस्लिम लीग से मुस्लिम। तो जो कांग्रेस में ही मुस्लिम धर्म के लोग थे वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं थे, वो कह रहे थे कि फिर तुम देश के बंटवारे की तरफ ले जा रहे हो। समझ में आ गया? वसीम को तो अभी आएगा ही नहीं, वसीम कल भी नहीं आया था, ठीक है। तो वेवेल प्लान, सो INC लीडर्स लाइक अबुल कलाम आजाद रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ मुस्लिम लीग एंड शिमला एंड कॉन्फ्रेंस फेल। इवन INC लीडर ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। हाँ वो INC के लीडर थे, वो भी नहीं चाहते, हाँ वो भी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, ठीक है। वसीम कल जो क्लासेस लाइव गई थी ना, देख लेना एक बार। कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946, इसमें 3 मेंबर कमेटी थी, ठीक है। 3 मेंबर कमेटी मेंबर्स वर दे, पीसी लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। अब इस ये करना क्या चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय इंडियंस, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी फेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान इंडियंस बनाएगी, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा कौन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएगी, ठीक है। एंड नॉमिनेटेड फ्रॉम, एक मिनट, इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम इंडियन प्रोविंसेस, 292 इंडियन प्रोविंसेस एंड बाकी प्रिंसली स्टेट्स। देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर कौन कौन होंगे, जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस से लोग हैं और प्रिंसली स्टेट से लोग हैं, ठीक है। तो 3-4 चीजें बात करी थी, इसमें 3 लोग थे, पीसी लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। इनो इनका कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय इंडियंस किस कमेटी ने बोला था, कैबिनेट मिशन ने बोला था, 1946 में कैबिनेट मिशन था। इन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन मेंबर होंगे, प्रिंसली स्टेट्स का भी रोल होगा और ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस का भी रोल होगा। इतना समझ में आ गया? दोज पार्टी विच विल गेट नॉमिनेट इन ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस वुड बी इन्वाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। जो पार्टी ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस में, मतलब जो ब्रिटिश के अंडर जो भारत के क्षेत्र आते हैं उसमें जो इलेक्शन जीतेगी वो गवर्नमेंट बनाएगी। अब देखना यहाँ पे मुस्लिम लीग सीट जीत जाती है। इट वॉज कॉल्ड इंट्रीम गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट को क्या बोला, इंट्रीम गवर्नमेंट। द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन ऑफ कैबिनेट मिशन वॉज ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स। देखो कैबिनेट मिशन ने ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स इस तरीके से किया कि मतलब कांग्रेस के चांसेस काफी कम हो गए और मुस्लिम लीग के चांसेस बढ़ गए। ग्रुपिंग, ग्रुप ए में 3 स्टेट्स थे, बॉम्बे, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा। ग्रुप बी में पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, सिंध
और ग्रुप सी में बंगाल आसाम। देखो मैं सोचता था कि यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं सोचता था यार ये कौन पूछ सकता है, बट इसमें से भी क्वेश्चन आता है। एज पर द प्रोविजन ऑफ द कैबिनेट मिशन ग्रुप को इस तरीके से बांट दिया गया था कि देखो अगर कुछ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज और कांग्रेस मेजोरिटी एरियाज को मिक्स कर दे, कांग्रेस को आराम से ज़्यादा वोट मिल जाएगा, बट अगर मुस्लिम मेजोरिटी एरिया को अलग ही रख दे तो फिर पंगा क्या होगा कि मुस्लिम लीग वहां से जी जाएगी, फिर वो किस चीज़ की बात करेगी, पाकिस्तान। और कांग्रेस में जो मुस्लिम के लोग थे वो चाहते ही नहीं थे मुस्लिम धर्म के लोग कि पाकिस्तान हो। इट वॉज इंट्रीम गवर्नमेंट, लाइक देश को चलाना। अभी ब्रिटिश का प्लान ये था कि पावर ट्रांसफर करना है, अभी उनके हाँ अपना अपना हाँ तब देंगे पावर ट्रांसफर के लिए, तो लिखा होगा यहाँ पे। नहीं लिखा, मेजरली पावर ट्रांसफर करने के लिए था। आगे चले, एज पर द प्रोविजन ऑफ कैबिनेट मिशन द इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज हेल्ड इन द ब्रिटिश इंडिया एंड रिजल्ट वॉज इन फेवर ऑफ INC। इलेक्शन हुए कैबिनेट मिशन के तहत, INC के फेवर में थे। आगे देखो, कांग्रेस गॉट मेजोरिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बट 86% मुस्लिम वोटर्स वोटेड फॉर मुस्लिम लीग। पहले हार गई थी याद है, बट अब 86% मुस्लिम्स ने मुस्लिम लीग को वोट दिया, ये मुस्लिम्स के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो अब तो ये कह सकते हैं कि हम भारत के मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमें अलग देश चाहिए पाकिस्तान। ठीक है, फर्स्ट टाइम मुस्लिम लीग क्लेम द सपोर्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। उन्होंने बोला हम मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर कांग्रेस किसी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एंकरेज बाई मास सपोर्ट मुस्लिम लीग स्टार्टेड डायरेक्ट एक्शन डे ऑन 16 अगस्त 1946। बहुत सपोर्ट मिला इनको, ठीक है, मुस्लिम लीग को, और इन्होंने एक डायरेक्ट एक्शन डे ऑर्गेनाइज कर दिया और सब मतलब 16 अगस्त 1946 को बोला डायरेक्ट एक्शन डे। दैट मीन्स ये बात कर रहे थे किस चीज़ की, पाकिस्तान की। वेरी गुड, इट वॉज सपोर्टिंग कम्युनल वायलेंस इन डिमांड फॉर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर पाकिस्तान। तो अब क्या बोला, हमने क्या बोला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में तो साथ आ जाओ, कहते नहीं हम अलग देश चाहते हैं तो हम अपना देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तुम्हारे साथ क्यों मिलेंगे। एज पर द प्रोविजन ऑफ द मिशन वाइसरॉय हैड इनवाइटेड लीडर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू टू फॉर्म इन इंट्रीम गवर्नमेंट। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन में क्या कहा था, जो भाई जो जीतेगा, कांग्रेस जीत गया बट मुस्लिम लीग को मेजोरिटी काफी क्षेत्रों में मिली बट वो जीता नहीं, तो समझ में आ रहा है। मैं तो ब्रिटिश ने जवाहरलाल नेहरू को बोला, जवाहरलाल नेहरू उस पार्टी के लीडर थे, तो बोला कि भाई साहब आप गवर्नमेंट बनाने आइए क्योंकि आप अपने क्षेत्र में जीते हैं। तो 1946 कैबिनेट मिशन के तहत जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के, ब्रिटिश इंडिया के, ठीक है, इंट्रीम गवर्नमेंट था उसके वाइस प्रेसिडेंट बने थे, 2 सितंबर 1946 को बने थे। तो कैबिनेट मिशन के तहत जवाहरलाल नेहरू को किस चीज़ की पोस्ट दी गई थी, समझ में आ गया। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको वो करेंगी। मुस्लिम लीग रिफ्यूज टू ज्वाइन गवर्नमेंट एंड डिमांडेड फॉर पाकिस्तान। मुस्लिम लीग फिर अकड़ गई, हमें पाकिस्तान चाहिए। ब्रिटिश एंड कांग्रेस परस्यूडेड देम टू ज्वाइन गवर्नमेंट। ब्रिटिश और कांग्रेस ने बहुत बोला भाई गवर्नमेंट ज्वाइन कर लो, गवर्नमेंट ज्वाइन कर लो, बट नहीं मानी। मुस्लिम लीग एग्रीड एंड लियाकत अली खान बिकेम द फाइनेंस मिनिस्टर इन नेहरूज गवर्नमेंट। आखिरकार मुस्लिम लीग ने एग्री किया और लियाकत अली खान, हाँ लियाकत अली खान गवर्नमेंट में आई और पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने। इन ऑर्डर टू मुस्लिम, अब देखो पहले कांग्रेस ने गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया था, इनको बुलाया तब आए नहीं, फिर बार बार बोला गया कि आओ, तब कुछ कांग्रेस के मेंबर्स को रिजाइन करना पड़ा कि इनको भी गवर्नमेंट में ले, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि जो मर्जी भी गवर्नमेंट बन जाए, तो कांग्रेस के कुछ मेंबर्स को रिजाइन करना। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट मेंबर्स ऑफ मुस्लिम लीग इन द गवर्नमेंट, सम मेंबर्स ऑफ कांग्रेस हैड टू रिजाइन। शाफत अहमद खान, अली जफर एंड शरद चंद्र बोस, इनको रिजाइन करना पड़ा। डिस्पाइट मुस्लिम लीग ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट, डायरेक्ट एक्शन डे स्टिल कंटिन्यूड। गवर्नमेंट ज्वाइन करने के बाद भी डायरेक्ट एक्शन, और इस पीरियड को कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर वायलेंस, मतलब दोनों साथ में गवर्नमेंट चला रहे हैं फिर भी
कम्युनलिज्म या धर्म के नाम पर भेदभाव हो रहा है या पाकिस्तान की मांग की जा रही है। समझ में आ गया? लॉर्ड माउंटबेटन जिन्होंने भारत को आयात किया, बोला कि जाओ जी लो जिंदगी, हैड एन हेक्टिक डिस्कशन विद गांधी, पटेल, जिन्ना एंड नेहरू। माउंटबेटन ने बहुत हेक्टिक डिस्कशन की किस किस के साथ? महात्मा गांधी, जिन्ना, नेहरू और पटेल के साथ, एंड फॉर्मुलेटेड 3rd June Plan। एक प्लान बनाया, 3rd June Plan उसको नाम दिया या माउंटबेटन, ठीक है। और इन्होंने उस प्लान में कहा इंडिया एंड पाकिस्तान वुड बी 2 federations, ठीक है, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश होंगे, फेडरेशन होंगे। पाकिस्तान वुड बी फॉर्म्ड बाय मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, जहाँ जहाँ मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो पाकिस्तान फॉर्म करेंगे। पंजाब एंड बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड करके एक आधा उनको दिया जाएगा, एक आधा हमें दिया जाएगा। जो उनको आज बंगाल दिया था वो बांग्लादेश है, ठीक है। इन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस सिलायत डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम देर वुड बी रेफरेंडम। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और सिलायत डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में रेफरेंडम होगा, मतलब उधर के लोगों से पूछा जाएगा कि आपको कहाँ जाना है। समझ में आ गया? ऑफिशियल एसेट्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान वुड बी डिवाइडेड इंटू, जो भी देश का अभी एसेट्स है वो पाकिस्तान, इंडिया, ये आपका है, ये मेरा है। किसमें? नहीं, मैंने बोला तो सही, कहाँ क्या हो गया? मैं देखो, हाँ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ, 3rd June Plan वॉज इंट्रोड्यूस इन ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड 18th July, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना था क्योंकि उनका प्लान था। 18 July इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास, भारत का इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ, एंड इंडिया एंड पाकिस्तान टू बिकेम एन सोवरेन नेशन, दो अलग अलग देश बन गए, ठीक है। आप समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा रोल था पाकिस्तान बनाने में और हमारा देश भी आजाद हो गया, ठीक है। बन जाता क्योंकि प्रेशर बहुत था, समाज में बहुत हिंसा थी, प्रेशर। हाँ हाँ, वो आग डाल के चले गए थे और वो जलता गया। You are late. Where were you? अब मॉडर्न हिस्ट्री के लास्ट के कुछ टॉपिक, सुभाष चंद्र बोस, इनको छोड़े बिना हिस्ट्री खत्म नहीं होती, तो ये भी ऐड कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ICS थे, मतलब ICS मतलब सिविल सर्विस, इंपीरियल सिविल सर्विस एग्जाम, ठीक है। 1920 में ही रिजाइन फ्रॉम सिविल सर्विस ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड जॉइंट इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। 1920 में इन्होंने सिविल सर्विस से, क्वेश्चन आता है कि सुभाष चंद्र बोस ने ICS से या इंडियन सिविल सर्विस से रिजाइन कब किया, 1920 में किया। ही पॉपुलराइज स्लोगन गांधी स्वराज विद इन एन ईयर इन एंटायर इंडिया, ठीक है। इन्होंने पॉपुलराइज किया स्लोगन को, एक साल में आजादी, ठीक है। गांधी ने लिखा था ये स्लोगन, इसको पॉपुलराइज करने वाले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस से, एक साल में आजादी। आफ्टर सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही अपोज्ड गांधीयन डिसीजन एंड डिस्क्राइब्ड इट एज अ नेशनल शेम। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के वापस लेने के बाद सुभाष चंद्र बोस बहुत गुस्सा हो गए, कहते हैं मैं सिविल सर्विस छोड़ के आया हूँ और तुमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर दिया है, और इनको बोला कि ये देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि आपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर दिया। इन 1938 हरिपुरा सेक्शन बोस बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ INC। हरिपुरा सेक्शन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे 1938 में सुभाष चंद्र बोस। ही डेवलप डिफरेंस बिटवीन गांधी अप्रोच एंड ऑब्जेक्टिव वाइल लीडिंग द नेशनल मूवमेंट। इनके मन में बहुत सारे मुठभेड़ थे, गांधी जी शांत स्वभाव के थे एंड ये एक ICS जो नौजवान थे ये चाहते थे आज़ादी जल्दी मिले। हाँ, इस्तीफा भी दे दिया था। मेजरली समझ में आ गया? वो भी कहानी है, डिफरेंस बिटवीन सुभाष एंड गांधी।
सुभाष चंद्र बोस साफ साफ कहते थे खाली नॉन वायलेंस और भूखे रहने से हमें आजादी नहीं मिलेगी. वी शुड टेक हेल्प फ्रॉम जर्मनी इटली एंड जापान अगेंस्ट ब्रिटेन. वर्ल्ड वॉर में ये इनके खिलाफ थे तो इन्होंने बोला कि इनका मदद ले लो, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, ये वाली टेक्निक अपनाने की बात कर रहे थे. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन बहुत मुश्किल पोजिशन में था जापान के सामने. ही सेड इट इज़ द राइट टाइम टू डिक्लेयर इंडियाज इंडिपेंडेंस. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ब्रिटेन बहुत ज़्यादा फंस चुका था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा अब तुम किसका वेट कर रहे हो, वो वहाँ से हार रहे हैं, यहाँ से और मारो, इनको बाहर निकालो. ठीक है, बट गांधी ऐसे सोचने वाली नहीं थे. नॉन वायलेंस इज द, गांधी जी ने कहा कि बिल्कुल हिंसा नहीं होगी. नॉन वायलेंस इज द सोल ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट. इंडियन नेशनल मूवमेंट इज एन आइडियोलॉजिकल मूवमेंट अगेंस्ट इंपीरियलिज्म कॉलोनियलिज्म. जापान एंड जर्मनी आर मोर इंपीरियल. गांधी जी ने यह कहा एक देश को आजाद करने के लिए एक इकलौता मूवमेंट नहीं है नॉन इंडियन नेशनल मूवमेंट. ये एक ऐसा मूवमेंट है जहां पर हम पूरे दुनिया में किसी छोटे देश को दबा के रखने वाले मूवमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं. जर्मनी और जापान ने और देशों को भी दबा के रखा है. हमें सबको, सबके खिलाफ ही हमारी एक आवाज है. ठीक है, गांधी सेड ब्रिटेन इज इन डिफिकल्ट टाइम इन वॉर, इट इज नॉट टाइम टू लॉन्च द मूवमेंट. गांधी जी का ये कहना था जब कोई मुसीबत में होता है उसको हराना सही बात नहीं है, हम अपने दम पर देश को आजाद करवाएंगे. तो दोनों के बीच में एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस समझ में आ गया. अब त्रिपुरा सेक्शन जो अमित ने अभी बात किया, सुभाष त्रिपुरा सेक्शन, त्रिपुरा में सेक्शन होता था. सुभाष वांटेड री इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट. हरिपुरा सेक्शन के बाद सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट ये दोबारा बने, बट गांधी अपोज्ड एंड सपोर्टेड पट्टा भी सीतारामैया एज प्रेसिडेंट का. अब गांधी जी गुस्सा हो गए, गांधी जी ने बोला नहीं, पट्टा भी सीतारामैया प्रेसिडेंट बनेगा. इन इलेक्शन सुभाष वॉज इलेक्टेड बट ही रिजाइन बिकॉज ऑफ अपोजिशन. बट जीत गए थे, बट गांधी जी के बोलने पर इतने बुजुर्ग लीडर बोल रहे हैं, सुभाष ने कहा लो मेरा इस्तीफा, मैं जा रहा हूँ. ठीक है, ही रिजाइन फ्रॉम प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ कांग्रेस. ठीक है, कांग्रेस के मेंबरशिप से भी रिजाइन कर दिया एक पावरफुल व्यक्ति ने, और एक नई पॉलिटिकल पार्टी एस्टैब्लिश करी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक. इन 1939 सिंस द इलेक्टेड प्रेसिडेंट रिजाइन, इट वॉज नोन एज त्रिपुरा क्राइसिस. इलेक्टेड प्रेसिडेंट कांग्रेस के सेक्शन में पहली बार रिजाइन कर रहा था, तो इस सेक्शन को किस नाम से जाना गया, त्रिपुरा क्राइसिस. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज अपॉइंटेड एज इंटरिम प्रेसिडेंट इन त्रिपुरा सेक्शन. इंटरिम प्रेसिडेंट क्योंकि कोई अगला प्रेसिडेंट नहीं था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया, तात्कालिक प्रेसिडेंट जो कहते हैं, कुछ टाइम के लिए वो बनाया गया. ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड बॉस एंड प्लेस्ड हिम इन हाउस अरेस्ट. अब ब्रिटिश को मौका मिल गया, भाई कांग्रेस का प्रेसिडेंट है नहीं और कांग्रेस बचाएगी नहीं, और इन्होंने हमारे खिलाफ बहुत आतंक फैलाया, पकड़ा और हाउस अरेस्ट में रखा, घर में बंदी बना के रखा. ठीक है, बट ही एस्केप फ्रॉम द प्रिजन एंड वेंट टू मीट एडॉल्फ हिटलर. वहां से ये बच के दुनिया के सबसे खतरनाक और क्रूअल आदमी से मिलने गए, हिटलर. सीधा जर्मनी. हिटलर ने बोला हाँ बेटा क्या हुआ, बोला सर वहां से निकल गया हूं, जाने को जगह नहीं है, देश के लिए कुछ करना है, बोला जापान जाओ. ही डायरेक्टेड हिम टू जापान वेर ही हैड टेकन कमांड ऑफ INA, इंटरनेशनल लिबरेशन आर्मी, है ना, INA का कमांड लिया. INA वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोहन सिंह. क्वेश्चन आएगा INA किसने कॉन्स्टिट्यूट किया था. वहां पे इन्होंने अपना एक रेजिमेंट एस्टैब्लिश किया, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट. रानी झांसी रेजिमेंट वॉज एस्टैब्लिश बाय लक्ष्मी सहगल. बोस ने वहां पे अपना एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही एस्टैब्लिश कर दिया, बोला मैं मेरा इंडिया का मैं गवर्नमेंट यहां करता हूँ, जापान में बैठ के ये सारे काम कर दिए. बोस एस्टैब्लिश प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ, सॉरी, सिंगापुर में एस्टैब्लिश प्रोविंशियल गवर्नमेंट एट सिंगापुर. जापान ने उस गवर्नमेंट को रिकग्नाइज किया बिकॉज साथ में ही थे. जापान इमीडिएटली रिकग्नाइज द गवर्नमेंट एंड हैंड ओवर एक आइलैंड सुभाष चंद्र को बोस दिया, अंडमान एंड निकोबार, टू दिस प्रोविंशियल गवर्नमेंट. बोस रीनेम्ड इट एज स्वराज एंड शहीद. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सुभाष चंद्र बोस को किस देश ने दिया था, जापान ने दिया था. ठीक है, और हाँ स्वराज एंड शहीद नाम रखा था, उस आइलैंड का नाम स्वराज एंड शहीद रखा था. और सिंगापुर में प्रोविंशियल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया था. INA
मोहन सिंह ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, रानी झांसी रेजिमेंट लक्ष्मी सहगल ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, और त्रिपुरा सेक्शन में इंटरिम प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इलेक्टेड प्रेसिडेंट के रिजाइन करने के लिए उस सेक्शन को त्रिपुरा क्राइसिस बोला जाता है, और गांधी जी ने त्रिपुरा सेक्शन में सपोर्ट पट्टाभि सीतारामैया को किया था। इन द फेमस कैंपेन ऑफ INA इम्पाल कैंपेन, INA का फेमस कैंपेन था इम्पाल कैंपेन, मतलब उन्होंने एक वो चलाया, अभियान चलाया, सो नॉर्थ ईस्ट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ बॉस, बट इन 90 अब नॉर्थ ईस्ट बॉस के कंट्रोल में आ गया, सुभाष चंद्र बोस के कंट्रोल में आ गया। इन 1945 आफ्टर जापान डिफीट ऑफ जापान द फेट ऑफ INA वॉज ऑल्सो इन डाउट, जापान हार चुका था 1945 में वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा नागासाकी, अब सपोर्ट करने वाला तो कौन था, जापान ही था सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है, अब वो ही नहीं थे तो सुभाष चंद्र बोस, हाँ तो उनको दिक्कत हो गई। इट वॉज सेड दैट बॉस डाइड इन अ प्लेन क्रैश इन ताइवान, सुभाष चंद्र बोस की किस देश में प्लेन क्रैश हुई, ताइवान में। आफ्टर हिज डेथ थ्री कमांडर्स ऑफ INA, तीन कमांडर्स वर अरेस्टेड, तीन कमांडर INA के अरेस्ट हुए एंड दे वर चार्ज्ड विद डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश, और तीनों को बोला कि आपको अरेस्ट करके, अब तो आपके बॉस है नहीं और आपने हमारे साथ आतंक फैलाया, आपको अरेस्ट करते हैं। द INA सोल्जर्स वर ब्रिलियंटली डिफेंडेड इन द फेमस ट्रायल एट रेड फोर्ट, इस सोल्जर्स को फेमस ट्रायल जो रेड फोर्ट में पहले भी एक सुनवाई हुई थी, ठीक है, यहाँ भी सुनवाई हुई थी, ठीक है, अब कुछ वेटरन सोल्जर्स आए, ठीक है, इनको बचाने के लिए, वेटरन सोल्जर्स कह रहा हूँ, वेटरन लॉयर्स आए इनके लिए केस लड़ने के लिए, जवाहरलाल नेहरू, अरुणा अशरफ अली, के एन काटजू, ऐसे लॉयर्स आए और उन्होंने इनके लिए आवाज़ उठाई। आफ्टर ट्रायल डेथ पेनल्टी वॉज टर्न्ड इनटू लाइफ इम्प्रिजमेंट, ट्रायल के बाद जो फांसी की सजा दी थी वो लाइफ इम्प्रिजमेंट या 14 साल की सजा में बदल दिया गया, और भारत 47 में आज़ाद हो गया तो सबको छोड़ दिया गया, आप क्या ब्रिटिश के अंडर थोड़ी हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, रिन म्यूटनी, देखो रिन म्यूटनी से भी पूछा जा सकता है। इंडियन सोल्जर्स ऑन INS तलवार स्टेशन एट मुंबई हार्बर रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश, जो इंडियन सोल्जर्स जो INS तलवार में थे, INS तलवार एक शिप है, इन्होंने बॉम्बे हार्बर में ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट किया, ठीक है, मतलब ये बॉम्बे हार्बर में स्टेशन था उस शिप, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया कि हमें तुम्हारे साथ काम नहीं करना, तुम हमारे साथ गलत कर रहे हो। द रिवोल्ट स्टार्टेड बिकॉज ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियन सोल्जर्स, रेशली डिस्क्रिमिनेट किया जाता था या कलर जात के आधार पर, कलर के आधार पर भारत के सोल्जर्स के इसके अगेंस्ट आवाज उठाई। वन ऑफ द सोल्जर्स वीसी दत्त शाउटेड स्लोगन इन अगेंस्ट ब्रिटिश, ही वॉज अरेस्टेड एंड फर्दर ट्रिगर्ड द रिवोल्ट, एक वीसी दत्त नाम के एक सोल्जर्स ने चिल्ला के बोला कि ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश गलत है करके बोला, तो आवाज़ उठाई तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, तो बाकी लोगों में भी गुस्सा बढ़ गया। द रिवोल्ट स्प्रेड टू कराची आर्बर ऑल्सो, कराची में भी ये, कराची में भी जो पोर्ट है वहाँ पे भी, वो इंडिया का पार्ट था, वहाँ भी ये बात गई, वहाँ पे भी आवाज़ उठने लगी ब्रिटिश के। रेलवे यूनियन लेबर यूनियन केम इन सपोर्ट ऑफ रेबेलियंस, रेलवे यूनियन और लेबर यूनियन ने दोनों ने, जो रेलवे के कर्मचारी थे, लेबर कर्मचारी थे, उन्होंने भी इसका सपोर्ट किया। INC एंड गांधी क्रिटिसाइज द रिवोल्ट एंड डिक्लेयर्ड इट एज इलीगल, इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी ने बोला कि नहीं गलत बात है, ऐसे नहीं करते, इलीगल बोला। आफ्टर इंटरवेंशन ऑफ सरदार पटेल रेबेलियन सरेंडर एंड फोर्स ब्रिटिश टू गो फॉर स्पीडी ट्रांसफर ऑफ पावर, ये उस टाइम पे हुआ था जब पावर ट्रांसफर हो रहा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंटरफेयर करा और बोला अरे पावर दे तो रहे तुम रुक जाओ, ठीक है, और फिर उनको थोड़ा फोर्स करके जल्दी से पावर ट्रांसफर करवा दिया। तो रिन म्यूटनी रिवोल्ट था INS तलवार के सोल्जर्स जो बॉम्बे हार्बर में थे, उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाई थी, ये जो बात थी ये कराची हार्बर में भी गई, ठीक है, और ओपनली रेलवे यूनियन और लेबर यूनियन ने सपोर्ट किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल बीच में आए और उन्होंने दोनों को शांत करवाया, और फिर ये भी एक कारण है जो ब्रिटिश को फोर्स कर रहा था कि जल्दी करके निकलो यहाँ से। समझ में आ गया, द मॉडर्न हिस्ट्री इज कंप्लीट। भाई ये अच्छे से पढ़ लेना। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एंशियंट आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में आपके लिए एंशियंट लिखा है, ठीक है,
जो भी पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं ये मैंने सब कुछ बैटल वैटल सब कुछ लिखा है, ठीक है। और बहुत पॉइंट्स में लिखा है जिसको आपको आराम से समझ में आ जाए। तो एंशंट हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ये एक चीज़ याद रखना, 1.5 आवर टुडे, 1 आवर कल, परसों कल, इसमें जितना मैं एंशंट पढ़ा पाऊंगा दैट विड बी समड अप। बाकी पॉइंट्स मैंने ऐड कर दिए, यू हैव टू डू इट, क्योंकि फिर मेरे को ज्योग्राफी स्टार्ट करनी है, क्योंकि हिस्ट्री मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। तो अच्छा हुआ आज अमित टाइम से आ गया, वरना मैं शुरू नहीं कर पाता। स्टोन एज, ठीक है, कुछ टर्म्स के साथ शुरू करते हैं, बहुत सिंपल है। कुछ टर्म्स आते हैं, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, जो दीवारों में ठोक ठोक के बनाते हैं, लिखा नहीं होता दीवारों में, उसकी स्टडी को। अभी हमने पुराने जमाने में किसी ने कुछ चीज लिखा है तो उसको क्या कहेंगे, एपिग्राफी। उसको जब हम पढ़ेंगे कि यार इस टाइम पे इस दीवार में ये चीज लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ कि कब लिखा हुआ है, कब का लिखा हुआ है, उसकी पढ़ाई को एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। स्टडी ऑफ कॉइन्स, हम पुराने जमाने की कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसको न्यूमरोमैटिक्स कहते हैं। क्वेश्चन आएगा पेपर में, कॉइन्स की पढ़ाई को क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन की पढ़ाई को क्या कहते हैं, न्यूमरोमैटिक्स कहते हैं। स्टडी ऑफ राइटिंग स्पेलियोग्राफी, अगर किसी ने कोई ग्रंथ व्रंथ लिखा होगा या कुरान लिखा होगा या भगवद गीता लिखा होगा, कुछ लिखा होगा या दीवार में कुछ लिखा होगा, जब हम उसको पढ़ने जाते हैं उसको कहते हैं पेलियोग्राफी, राइटिंग स्क्रिप्ट जब पढ़ते हैं, ठीक है। स्टोन एज को 3 एज में डिवाइड करा जा सकता है, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। स्टोन एज को क्या हो गया वसीम, मुश्किल नाम है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। अरे अभी मैं बताता हूँ कि हर एज में क्या होता है। स्टोन एज जो पत्थर से जो काम होने वाला टाइम है ना, स्टोन एज सबसे पुराना वाला एज, ऐसे मुझे नहीं पता, तो ऐसे ऐसे नाम लेकर आएगा तो मैं कहाँ से लेकर आऊंगा, ठीक है। उसमें उसको अभी मैं बता देता हूँ, तेरा डाउट क्लियर हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। स्टोन एज को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, पैलियोलिथिक, मिजोलिथिक, नियोलिथिक। अब हम देखते हैं कि तीनों में क्या क्या होता है तो और क्लियर हो जाएगा। पहले पढ़ते हैं पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक को 3 हिस्से में फिर बांटा जाता है, लोअर पैलियोलिथिक, अपर मिडियल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। ये डिवीजन हो गया, ये चार्ट बना के पढ़ लेना। स्टोन मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूं, ठीक है, पैलियो, मीजो, नियो, ठीक है, फिर इसका डिवीजन, फिर इसका डिवीजन, इसका डिवीजन, ऐसे पढ़ोगे जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। लोअर पैलियोलिथिक पे जो टूल्स बनते थे, हथियार बनते थे, वो किससे बनते थे, हैंड एक्स, खुलाड़ी, ठीक है, क्लीवर्स, जो आप देखते हो दीवार को ऐसे रख के ऐसे चॉप करने के लिए जो यूज होता है उसको क्लीवर्स कहते हैं, चॉपर्स, ऐसे घसीट के उसके ऊपर से, नहीं 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 ऐसे करके निकालते नहीं है लकड़ी, उसको चॉपर्स कहते हैं, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे बहुत कम था, ठीक है, लेस ह्यूमिड। साइट्स ऑफ एविडेंस, हमें लोअर पैलियोलिथिक के बारे में किस किस साइट से, आज के टाइम पे हम सोचें कि यार लोअर पैलियोलिथिक था इस टाइम पे, बट आज के टाइम पे हमें किस किस साइट से पता चलता है लोअर पैलियोलिथिक के बारे में, ठीक है। सोन वैली पंजाब, बेलन वैली मिर्जापुर और बिम्बटका भोपाल मध्य प्रदेश में, आज के टाइम पे इन तीनों साइट्स में जाए तो यहाँ से हमें हमारे जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनको सर जब उन्होंने स्टडी करा तो उनको पता चला कि यहाँ पे पैलियोलिथिक होता था। क्या हो गया अमित, ठीक है, क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कहाँ से आएगा। क्वेश्चन आएगा कि लोअर पैलियोलिथिक में जो टूल्स यूज करते थे नीचे लिखे में से कौन से टूल्स है, इन तीनों में से एक ऑप्शन में होगा, ठीक है। लोअर पैलियोलिथिक के साइट्स बताओ, इन तीनों में से एक होगा, सोन वैली पंजाब, बेलन वैली मिर्जापुर, बिम्बटका भोपाल, समझ में आ गया, पढ़ना पड़ेगा ये, तो मुझे भी बहुत टाइम लगा था ये। मिडिल पैलियोलिथिक, ठीक है, मिडिल पैलियोलिथिक में जो बोन्स है ना, जानवर, बड़े बड़े जानवरों के बोन्स निकाल के उसको नोकीला बना के यूज करते थे, पॉइंटेड बोन्स। टूल्स ऑफ फ्लेक्स, कोई भी पेड़ का तना कट गया उसको रगड़ रगड़ के उसको पॉइंट बना के उसको भी ऐसा टूल्स यूज करते थे। डिगर्स, खोदने वाला चीज, कोई भी खोदने वाला चीज यूज करते थे। टेम्परेचर थोड़ा कोल्ड था इस टाइम का,
आज कहाँ से इसका एविडेंस पता चलता है, सोन वैली में, इसका भी कुछ पार्ट में सोन वैली में देखा गया था, ठीक है, नर्मदा, नर्मदा नदी के किनारे, और तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे भी इसका एविडेंस देखा गया था। आ गया समझ में? रटने वाली चीजें हैं, अब मैं बोलूंगा कि रट लेना। हायर पिलियोलिथिक, या सबसे ऊपर का जो टॉप, लोअर, मिडल, हायर, हायर में टेम्परेचर काफी गर्म था, ब्लेड्स यूज किए जाते थे, जो ब्लेड्स होते हैं ना, बड़े ऐसे वाले टूल्स यूज किए जाते थे जो काटने के लिए यूज किए जाते थे, ठीक है। बस लो पिलियोलिथिक हो गया, इसमें से इतना ही क्वेश्चन आएगा, बाकी आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया? इसको फ्लो चार्ट बना के लर्न करना। अब आते हैं मिजोलिथिक, ठीक है, ये एक ट्रांसिशन फेस है पेलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में। अब पेलियोलिथिक से इंसान नियोलिथिक के तरफ मुड़ रहा है, तो एक बीच में फेस आया है मिजोलिथिक, ठीक है। इट इज अ फेस बिटवीन हंटिंग, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। हंटिंग यहाँ पे देखो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है, नियो में जाओगे तो एग्रीकल्चर मतलब लोगों ने खेती करनी शुरू कर दी थी। शुरू में क्या होता था? हंटिंग होता था, पेलियो में हंटिंग होता था। तो इसके बीच का जो फेस है उसको मीजोलिथिक कहते हैं। मीजो को याद रखना, मिडिल फेस, एम फॉर मिडिल, ठीक है। स्मॉलर टूल्स यूज करते थे, बहुत छोटे छोटे टूल्स यूज किए जाते थे। सम एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कुछ यहाँ से हमें, आज हम स्टडी करते तो हमें पता चला है कि कुछ पालतू जानवर भी लोग रखते थे, गाय, भैंस, बकरी, ऐसे करके हाँ, सब रखते थे, ऐसे करके पालतू जानवर भी लगते थे। और इसको आइस एज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई सर्टेन चेंजेस नहीं हुआ। आइस एज मतलब बहुत कठोर एज था, कोई कोई बड़ा चेंज नहीं आया इसमें, ठीक है। नियोलिथिक में आते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा था। टूल्स वर मेड अप ऑफ स्टोन, ठीक है, पत्थर से, स्टोन एक्स, पत्थर का कुल्हाड़ी बनाया जाता था, ठीक है। पोटरी एविडेंस वॉज फाउंड, पोटरी मतलब मटका बनाना। हाँ यार, तुमने देखा नहीं वो चक्री में रख के उसको शेप देके, वो यहाँ पे, हाँ बिल्कुल सही, वो यहाँ पे पोटरी वॉज फाउंड इन बुर्जा होम, एक बुर्जा होम नामक जगह में पोटरी फाउंड किया जाता था, ठीक है। क्वेश्चन फिर यहाँ से आएगा, नियोलिथिक एज में पोटरी एविडेंस कहाँ से फाइंड हुआ था? बुर्जा होम से फाइंड हुआ था। डोमेस्टिक डॉग्स वर बरीड विद मास्टर्स। इस एज में ये भी देखा गया, जब हमने इनके बॉडी को देखा गया, मतलब साइट के एविडेंस निकालते हैं ना, आज आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट साइट को मैपिंग करता है या स्टडी करता है, तो उनको ये देखा गया। उस टाइम पे जो पालतू कुत्ते थे किसी आदमी के, तो उनको भी जब उनकी डेथ होती थी, जो उनके कुत्तों को भी अपने मास्टर के साथ या अपने मालिक के साथ दफना दिया जाता था, तो वो हमने वो स्टडी किया तो हमें पता चला, ठीक है। हाउसेस वर मेड ऑफ मड्स एंड रिप्स, मड्स मिट्टी, मिट्टी और रिप जो पेड़ का, नारियल के पेड़ का, वो उससे बनता नहीं है घर, नारियल का पेड़ का जो पत्ते होते हैं बड़े बड़े, उससे सुखा के घर बनता है, और घास से, सूखी घास से घर बनता है, तो हाउसेस वर मेड ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, तभी तो पॉइंट में लिखा है। एक एक चीज टिप्स में होनी चाहिए, अगर एक एक चीज टिप्स में होगी ना, कभी भी पेपर में कोई पॉइंट मिस नहीं होगा। हरप्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, हाँ नियोलिथिक में सीखोगे, जैसे जैसे टाइम के साथ आगे आता है तो सीखते हैं। ऐसा मैंने कभी क्वेश्चन देखा नहीं, तो इसलिए मैंने डाला नहीं। एक बार, एक बार देख लेना, हाँ, एक बार देख लेना, अगर हो तो ऐड कर लेना, क्योंकि मेरे पास जब मैंने नोट्स बनाए थे तो कम से कम 40 पेजेस नोट्स थे। अब 40 पेजेस में से मुझे जो जरूरत लगा मैंने वो पॉइंट्स निकाले, उसमें हो सकता है बिपिन चंद्रा में तो होगा ही होगा, उसमें से नोट्स बनाना तो बहुत दिमाग खराब करने वाली बात हो गई। हरप्पन सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन 4600 ईयर्स एगो, एक ऐसी सभ्यता जो कि 4600 साल पुरानी है। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? इंडस नदी के किनारे है। हाईली एडवांस एंड वेल प्लान सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्लान करी गई थी, ठीक है। वेरी रिच इन आर्ट, प्लानिंग, आर्किटेक्चर, सील, स्टैम्प, मेशरमेंट, पोट्री एंड ज्वेलरी। इनका जो कला थी, आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग्स बहुत अच्छी थी। सिटी बहुत अच्छे तरीके से प्लान्ड था, ठीक है। इधर सील्स का यूज़ किया गया था, सील्स मतलब स्टैम्प्स का यूज़ किया गया था, जो हम वो सील लगाते हैं उसका यूज़ किया गया था। मेशरमेंट,
इनका अपना ही मेजरमेंट का तरीका था, मतलब वेट किलोग्राम हो गया, स्केल्स हो गया, इसको मेजर करने के लिए इनका अपना ही तरीका था. पॉटरी एंड ज्वेलरी वॉज देयर. ठीक है, पॉटरी मतलब मटका बनाना, फिर वही बात, ज्वेलरी अलग अलग टाइप के गहने आभूषण थे. हाँ, पंगा, दो नाम लिखे हैं मैंने यहाँ पे, 1921 जॉन मार्शल एंड दयाराम सानी. ठीक है, दो नाम लिखने का मतलब क्या है, मैंने कुछ बुक्स में पढ़ा कि हरप्पन सिविलाइजेशन जॉन मार्शल ने 1921 में इसकी स्टडी करी या इसके बारे में ढूंढा और जाना. बट जब हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है, यूपीएससी को छोड़ गए, यूपीएससी बहुत फैक्चुअल, मैंने एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में देखा, वो ऑप्शन ये कहता है दयाराम साहनी को मानता है कि हरप्पन सिविलाइजेशन ढूंढा. ऑब्वियसली हो सकता है कि इंडियन थे, इंडियन ने कुछ पढ़ाई करी तो हाँ, बट हमारे पेपर में हर वक्त दयाराम साहनी आता है. ठीक है, बट एक्चुअली जॉन मार्शल ने 1921 में ढूंढा था. जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री को पूरा, नहीं नहीं उन्होंने भी पूरा एक्सेप्ट किया था. ठीक है, तो दोनों नाम याद रखना, जो आए टिक कर देना. ठीक है, मैं सोच रहा था कि क्या डालूं, तो फिर मैंने कहा दोनों ही डाल देता हूं, बता दूंगा. टाउन प्लानिंग, रेसिडेंशियल सेटलमेंट्स. अब टाउन किस तरीके से प्लान हुआ, जो लो लाइंग एरिया है, जो जमीन के करीब एरिया है, वहां पे घर बनाने थे. ठीक है, होम्स. ठीक है, ऑफिस इन हाई लाइन एरिया, तो थोड़े जो ऊपर जगह थे वहाँ पे ऑफिस थे, यहाँ पे घर और क्या. स्ट्रीट्स वेर वेरी क्लीन, बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रीट्स बहुत साफ थे, 5 to 10 meter वाइड था. भाई ये भी पूछा जाता है हरप्पन सिविलाइजेशन में स्ट्रीट्स कितने मीटर वाइड होते थे. स्ट्रक्चर्स वर मेड अप ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स एंड वाटर. स्ट्रक्चर्स अभी किससे बनते थे, ब्रिक्स को जला के, भट्टी में जला के, ईंट को जला के और पानी से बनते थे. एंड बहुत प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, अच्छा था. मतलब इस सेंचुरी से करीब 4600 साल पुरानी एक सभ्यता है. अब एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं होगा ना कि हरप्पन सिविलाइजेशन. आर्कियोलॉजी में कोई भी चीज आपको एग्जैक्ट नहीं पता चलेगी, वो कार्बन डेटिंग करते हैं. कार्बन डेटिंग का मतलब है, नहीं सिविल और क्या, एविडेंस के बिना कुछ करते नहीं है. आप अब इजिप्ट और ईरान जैसी कंट्री में जाके देख लो, उनकी जो सभ्यता है, उनके कल्चर है, इतना बढ़िया है, देखोगे आज भी उसके एविडेंसेस साफ साफ दिखते हैं. होगा, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि नहीं होगा, होगा. वो हमें लगता है कि हम सोचते हैं कि उस टाइम पे लोगों के पास कुछ नहीं था, हमें क्या पता. हाँ, अब इसमें कुछ वर्ड्स बताता हूं मैं जो कि उस टाइम पे होते थे. सीटाडेल, ठीक है, सीटाडेल का मतलब होता है ये ब्रिक्स से बना था, माउंट ऑफ ब्रिक्स, भट्टी में ब्रिक को, ईट को गर्म करके पानी से बना था. ये यूज फॉर पब्लिक गैदरिंग, जो पब्लिक मीटिंग करवाने के लिए, जैसे कम्युनिटी सेंटर होता है ना हमारा, शादी घर ये सब होता है, पब्लिक गैदरिंग, रिलीजियस प्रोग्राम एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर्क. एक ऐसी जगह बनाई गई थी जहां पे पब्लिक मीटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क और ये सारा हो, उस जगह को क्या नाम दिया था, सीटाडेल. ठीक है, पूछा जाएगा सीटाडेल किसके लिए यूज होता था. ग्रेट बाथ, ठीक है, हैड अ वाटर इनलेट विथ विच बाथ वॉज फिल्ड. एक पूल था, ठीक है, जिसमें एक वाटर इनलेट था जहां से पानी अंदर आता था. हरप्पन सिविलाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है. आउटलेट विच पूल वॉज क्लीन एंड सराउंडेड बाई स्मॉल रूम्स नोन एज चेंज रूम्स. ठीक है, एक पानी इनलेट हुआ था, ये मोस्टली सिटी के सेंटर में होता था. ठीक है, और एक आउटलेट होता था पानी का जहाँ से ये पूल को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता था. और इसके चारों ओर छोटे छोटे चेंज रूम्स भी बने हुए थे, ये भी हरप्पन सिविलाइजेशन में था. ज्वेलरी, इसमें गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और कॉपर मेटल यूज करके बनाया जाता था. स्टैम्प्स और सील्स जो थे, स्टैम्प्स और सील्स में जो पिक्चर था, ये एक यूनिकॉर्न बुल का था. बुल पता है, बुल नहीं पता, हाँ, उसकी एक सींग थी बस. ठीक है, ठीक है, राइनोसोरस और ब्राह्मणी बुल, इन तीनों चीजों की अलग अलग टाइप के बुल थे. राइनोसोरस, गैंडा, इन सब के स्टैम्प्स में पिक्चर्स थी.
तो ये पूछा जाएगा यूनिकॉर्न बुल, राइनोसरस और ब्राह्मणी बुल के स्टैम्प किस सिविलाइजेशन में पाए जाते हैं। क्लियर आ रहा है भाई समझ में? आ तो आएगा तो समझ में, बट मैटर है कि कितना आप रिवाइज करते हो। एक दो दिन का रिवीजन, एक दो दिन के रिवीजन में कुछ नहीं होगा। स्क्रिप्ट जो राइटिंग होती थी वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, ऐसे लिखी जाती थी, ठीक है। लोगो सिंबल्स अल्फा न्यूमेरिक एंड ग्राफिक्स, लोगो यूज किए जाते थे कुछ भी लिखने में, सिंबल्स कोई भी चिन्ह बना दिया, एरो बना दिया, ये भी न्यूमेरिकल्स नंबर नंबर्स यूज किए जाते थे, ग्राफिक्स पिक्चर्स वगैरह यूज किए जाते थे। पोट्री मेड अप ऑफ सिरामिक्स, सिरामिक पता है, सिरामिक प्रॉपर, अरे अरे मैं बताता हूँ, आजकल आपके घर पे क्या बोलते हैं, कुछ कुछ भी डेकोरेशन का सामान आता है वाइट कलर का होता है, देखा है, सिरेमिक पाउडर, तो उससे पोटरी बनती थी, जो आपके आर्ट मूर्तियां बनती हैं आज के टाइम पे, ठीक है, उसकी पोटरी बनती थी। अर्थनवेयर मिट्टी की पोटरी बनती थी क्ले से। डिसएडवांटेज इस हड़प्पन सिविलाइजेशन का, सोकिंग पिट एंड ड्रिंकिंग वेल बिल्ट टुगेदर, वाटर बॉर्न डिजीज बहुत हो रहे थे, जो पीने का पानी का वेल था और जो नाली था बिल्कुल आसपास में था, इन लोगों को ये नहीं पता था कि जमीन के नीचे से भी पानी क्रॉस होता है, ठीक है, ये बहुत डिसएडवांटेज था, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर बॉर्न डिसीजेस हो रहे थे। क्लियर हो गया? मोहनजोदारो अगर प्रेसेंटली इसका एविडेंस ढूंढने चले कि मोहनजोदारो कहाँ पर है, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंसेस में। मोहनजोदारो हरप्पन सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट सिटी है, लार्जेस्ट सिटी ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन इज मोहनजोदारो, समझ में आ गया? ये भी हरप्पन सिविलाइजेशन में आता है, ये तो पता ही होगा, ठीक है। इसमें कुछ एविडेंसेस पाए गए, स्टैच्यू ऑफ अ डांसिंग गर्ल, एक नृत्य करते हुए या डांस करते हुए, अब से पूछा जाएगा कि ये डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू कहाँ से पाया गया, मोहनजोदड़ो से पाया गया, ठीक है। एंड अ प्रीस्ट फाउंड हियर, एक प्रीस्ट, एक पंडित का स्टैच्यू पाया गया और एक डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू पाया गया। इसमें भी ग्रेट बात था जो बताया था ना, पूल, वो सेंटर ऑफ द सिटी था। एक लार्ज ग्रेनरी स्टोरेज था धान को स्टोर करने के लिए, जो चावल गेहूं सब स्टोर करने के लिए ग्रेनरी स्टोरेज था। तुम कह रहे हो कुछ नहीं होता, देखो सब कुछ है। लार्ज असेंबली हॉल्स वर प्रेजेंट, असेंबली हॉल्स, असेंबली हॉल्स क्या थे? अरे उसको नाम क्या कहते हैं, सीटाडेल, बताया तो था अभी पहले, तो ओवरव्यू। हाँ ब्रिक से बनाए, ईट से बनाए, ठीक है। मोहनजोदारो में सील्स जो यूज करे जाते थे, पशुपति सील्स जिसमें लॉर्ड शिवा, ठीक है, पिक्चर होते, सप्तमत्रिका सील्स जिसमें सात लड़कियां और मिक्स्ड एनिमल, एक मिक्स्ड एनिमल मतलब आधा इंसान आधा एनिमल, अगर आप गूगल पे टाइप करोगे मिक्स्ड एनिमल सील तो उसका दिखता है कि बॉडी पूरी इंसान एनिमल की तरह होती है, फेस इंसान की तरह होता है वो, और पीपल ट्री, ये सारे सील्स यूज किए जाते थे। सप्तमत्रिका, सेवन गर्ल्स, मिक्स्ड एनिमल, पीपल, क्लियर हो गया? लोथल अगला सिटी सुना है हरप्पन सिविलाइजेशन का, ऑन द बैंक ऑफ रिवर दोगरा, ठीक है। पोर्ट सिटी, हरप्पन सिविलाइजेशन की पोर्ट सिटी लोथल है, ठीक है, पोर्ट के कदीम नदी के किनारे था, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, जो इसके इस सिटी के डोर्स एंड विंडो जो ओपन होते थे रोड की तरफ होता था, कि कोई ट्रक आया तो विंडो मार के चले गया, समझ में आ गया? तो किस सिटी के डोर्स, अरे भाई ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि मजाक है, किस सिटी के डोर्स एंड विंडोज हरप्पन सिविलाइजेशन में, तो डोर, हाँ मैं ये कह रहा हूँ ना मजाक मजाक में, तो रोड साइड की तरह खुलते थे। इसमें पर्शियन सील फाउंड हुआ था, पर्शियन सील जो पर्शियन कल्चर मतलब इराक, ईरान कल्चर है, गल्फ कल्चर है, उसके सील्स फाउंड हुए थे। डबल बरियल, मैन एंड वीमेन बरीड इन वन ग्रेव, ठीक है, महिला और पुरुष को एक ही ग्रेव में दफनाया जाता था, मतलब मरने के बाद, ठीक है। डबल बरियल किस सिटी में देखा जाता, पोट्री विथ पिक्चर्स ऑफ पंचतंत्रा, पंचतंत्रा के पिक्चर्स की पोट्री देखी जाती थी, जो मटके होते थे उसमें पंचतंत्रा की स्टोरीज की डायग्राम्स बनाए जाते थे। पंचतंत्रा सुना है, जो पंचतंत्र कहानियां हैं,
पंचतंत्र कहानियां नहीं सुना तुमने, पढ़ा ही नहीं है, इतनी अच्छी अच्छी कहानी होती है, अभी याद कराता हूँ। थर्स्टी क्रो एंड क्लेवर फॉक्स की कहानी सुना है? कौन चला? हाँ, वो पंचतंत्र की स्टोरी है, ठीक है। और ये उसमें डायग्राम बना के, ठीक है, हाँ, वो उसमें पोट्री में डायग्राम बना के लिखा जाता था। पॉलीक्रोम पोट्री होती थी, पॉलीक्रोम पोट्री का मतलब कुछ नहीं है, अलग अलग कलर के पोट्री होते थे, ठीक है, एक ही कलर का, मिट्टी का नहीं होता था, डिजाइन बहुत अच्छे से दिया जाता था। अगला सिटी है डोलावीरा, धोलावीरा लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस नदी के किनारे अगर लार्जेस्ट सिटी बात करी जाए तो धोलावीरा है। बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है। सिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सीटेडेल था, असेंबली हॉल, मिडल टाउन, एक टाउन बीच में, मिडल टाउन था, टाउन एरिया जहाँ पे मार्केट था, एंड लोअर टाउन, ठीक है। लोअर टाउन में घर वगैरह थे, मिडल टाउन में ऑफिस वगैरह थे, और सीटाडेल आपको पता ही है। क्लियर हो गया? कालीबंगन, कालीबंगन इसके एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? राजस्थान से मिलते हैं, गग्गर नदी के किनारे हैं कालीबंगन, ठीक है। डबल क्रॉपिंग, डबल क्रॉपिंग मतलब एक ही टाइम पे पहली बार दो क्रॉप करने वाले, वो भी देखा गया। ग्राम और मस्टर्ड, ग्राम मतलब चने और मस्टर्ड मतलब सरसों की खेती देखी गई, ठीक है। ग्रेव एविडेंस, जब हमने इनके मरे हुए लोगों की बॉडी को एनालिसिस करा, कुछ लोगों के पैर वगैरह में रॉड्स देखे गए, होल्स एंड रॉड्स, मतलब होल्स थे और रॉड डला हुआ था, तो इससे पता चलता है कि इस टाइम पे सर्जरी हुआ करती थी। देख लो, अमित कह रहा कुछ नहीं होता था। हाँ, दुनिया को सर्जरी किसने दिया है? इंडिया ने दिया है, फादर ऑफ सर्जरी सूस्ट्रा, इंडियन थे। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री की थी, उसमें यह था कि इंडिया ने जो जो दुनिया को दिया है, इतना डाइवर्सिफाइड कल्चर था ना, तुम विश्वास नहीं करोगे। कल का वीडियो देगा बांग्लादेश, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। अब प्लान ये है, ये मेरे को पता था तुम लोग पूछोगे, अपने इकोनॉमी को, अपने पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को और देशों के साथ कंपेयर करना सीखो। अब अगला पाकिस्तान पे होगा। हाँ, अभी आप कोई भी किसी से भी बात करोगे, आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश में क्या सिचुएशन है। इंडिया से कहीं कहीं कंपेयर भी तो किया है, 141 मिलियन डॉलर, पाँच, इसलिए 4-5 मिनट का है। एक जो बांग्लादेश का पहले वीडियो बनाया था याद है, उसमें व्यूअरशिप पता है कितनी है? 6,500 से ऊपर, और व्यूअरशिप टाइम है 48% कुछ, और यूट्यूब वेरी गुड व्यूअरशिप देता है 30% में। तो लाइक मेरे को बांग्लादेश से भी तो रिस्पांस मिलता है, प्रॉपर खतरनाक कमेंट भी आते हैं, मतलब जो शेख हसीना के खिलाफ है ना, वो मुझे खतरनाक वो करते हैं, पर ये लोग उनका बैठ के जवाब देते हैं। मेसोपोटामियन एंड हरप्पन सिविलाइजेशन दोनों को कंपेयर करेंगे। मेसोपोटामियन जो ग्रीक, जो गल्फ सिविलाइजेशन थे, उसको इंडिया के हरप्पन सिविलाइजेशन से इस तरीके से इसलिए लिखा है जिससे आपको, एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन, ये एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, ये कुछ 3,000 साल पुराना है, ये कुछ 4,600 साल मतलब पुराना है, ठीक है। हमारे लिए नॉन प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, इधर कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, नाली वाली खुली पड़ी है ऐसे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, इसमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। जिगजैग सेटलमेंट, इसमें कोई सेटलमेंट नहीं था, कुछ घर यहाँ बने, कुछ यहाँ बने, कुछ यहाँ बने, ठीक है। प्रॉपर अलाइंड सेटलमेंट, लाइन में घर बने थे। संट बाथ ब्रिक्स, मतलब जो ब्रिक्स बनाए जाते थे, मिट्टी जो घर, पत्थर ईट जो घर बनाने के लिए यूज करते थे, वो धूप के में सुखा के उससे घर बनाए जाते थे। इसमें बेक्ड ब्रिक्स, हम तब भी भट्टी में रख के उसको गर्म करके बनाते थे।
लेंस एंड स्पियर्स वर यूज्ड. लेंस पता है क्या होता है? स्पियर्स डिफेंस सिस्टम के लिए, जो तलवार लड़ाई होती है तो उनके हाथ में एक राउंड सा वो होता है जिससे. हाँ, वो और अलग अलग तरीके के, वो जो देखा होगा जिससे मारने के लिए यूज करते हैं. एक तो तलवार होती है, उसके अलावा भी एक चीज होता है जो कि बहुत फ्लेक्सिबल होता है जिससे मारने के लिए. हाँ, वो यूज किया जाता था. इसमें नाइफ यूज करते थे, ठीक है. कॉपर मेन मेटल था इनका, हमारा ब्राउन था, ठीक है. सिलिंड्रिकल सील्स, इनके जो सील्स होते थे कुछ इस टाइप के होते थे, हमारे सील्स जो होते थे इस टाइप के होते थे, ठीक है. शेप की बात कर रहे हैं. ये मेकर्स ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते थे. आज के टाइम पे भी आप देखो तो सारे ब्यूटी प्रोडक्ट गल्फ कंट्रीज से आते हैं, हम इधर वहां से इम्पोर्ट करते थे. और तुम कह रहे हो नहीं होता, देख लो क्या इम्पोर्ट कर रहे हैं हम. समझ में आ गया? वैदिक पीरियड 1500 बीसी से, ऑब्वियसली ये टाइम से उल्टा नहीं लिखा, सीधा ही लिखा है पुराने. आप समझ गए ना कि बीसी मतलब अब ये यहां से जीरो बिफोर क्राइस्ट. हाँ, क्राइस्ट, ठीक है. अमित कह रहा है बिफोर क्रिसमस, मैंने क्या क्या बोल रहा है. कोई नहीं, ठीक है. यहां से जीरो 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 करके जीरो की तरफ आएगा, फिर एडी में आ जाएगा. तो बट ज्यादा से कम आर्यंस आए इस टाइम पे, आर्यंस 1500 बीसी से. हाँ नहीं, अरे मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, 0 से 1500 साल पुराने जाओ, ठीक है. तो वहां से शुरू हुआ था लगभग. दिस इज एन एक्सटीमेशन डेट, एग्जैक्ट डेट थोड़ी है कि कब आर्यंस आए थे, ठीक है. आर्यंस केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया. कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे. ये पेस्टोरल ग्रुप थे. पेस्टोरल ग्रुप मतलब चरा, भैंस गाय चराने वाले, अपने भेड़ बकरी साथ ले जाने वाले, घास लेने आए थे, ठीक है. देर वर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, लैंग्वेज के बेसिस पे भी था. लिंग्विस्टिक मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग थे, ठीक है. देर आर फोर वेदास. आर्यंस के बारे में एक रफ आइडिया मिल गया. पेस्टोरल ग्रुप्स थे, लिंग्विस्टिक ग्रुप से सेंट्रल एशिया से आए थे बस, ठीक है. पेस्टोरल गाय भैंस चराने वाले थे. कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से. लैंग्वेज अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, ठीक है. चार वेदा कौन कौन से हैं ये भी तुम्हें देखना पड़ रहा है. ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद. ऋग्वेद किस चीज के बारे में बोलता है बताओ? हाँ, तो ऋग्वेद आर्यन के बारे में बोलता है, इसलिए इसको यहां मैंने इंक्लूड किया है. आर्यन्स के बारे में बात करता है, जो पेस्टोरल ग्रुप सेंट्रल एशिया से आए थे उनके बारे में बात करता है. सामवेद इंडियन म्यूजिक, भारत की म्यूजिक के बारे में बात करता है. अथर्व यजुर्वेद रिचुअल्स के बारे में बात करता है, भारत में जो अलग अलग रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं. रिचुअल्स मतलब अलग अलग रिवाज फॉलो किए जाते हैं, उसके बारे में बात करता है. अथर्ववेद आयुर्वेदिक के बारे में बात करता है. ऋग्वेद, आर्यन, सामवेद, इंडियन म्यूजिक, यजुर्वेद रिचुअल्स और अथर्ववेद आयुर्वेदिक, ठीक है. हाँ, लाइक देवर मतलब कोई भी वो नेगेटिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे, और वेजिटेरियन थे, ठीक है. और दे यू मतलब ये फ्रूट्स फल वगैरह खा के रहने वाले लोग थे, मतलब कुछ भी नेगेटिव नहीं थे, बहुत पीसफुल लोग थे. आ गया समझ में? ये याद कर लेना. वैदिक पीरियड के कुछ टर्म्स, उस टाइम पे कुछ टर्म्स यूज किए जाते थे. अगर आप कुला बोलो, कुला कुला पेपर में आएगा भाई साहब. ये कुला का मतलब क्या होता है? फैमिली को बोला जाता था कुला, ठीक है. कुलपति, हेड ऑफ फैमिली, फैमिली के हेड को कुलपति कहा जाता था. गरम, गरम मतलब होता था फाइटिंग यूनिट, जो लड़ने में जाते हैं ना, उस फाइटिंग यूनिट को गरम कहते थे. गरम पति, गरम पति मतलब हेड ऑफ फाइटिंग यूनिट, ठीक है. हेड ऑफ फाइटिंग यूनिट. जन, ट्राइब, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के, ट्राइबल एरिया के लोग, एक समूह को जन कहते थे. जनपति, ट्राइबल हेड, उनके हेड को ट्राइबल हेड कहते थे. इकोनॉमी, इनके पैसे कहाँ से आते थे? पास्चर एंड एग्रीकल्चर, मतलब गाय भैंस चराना इन और एग्रीकल्चर. अगर ये कोई डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं तो इनका
देखो अब आर्यंस है ना, इनके जब भी आर्यंस दिमाग में आना चाहिए ना, गाय दिमाग में आना चाहिए, काउ, क्यों? इनके सारे चीज उससे रिलेटेड होते हैं, क्योंकि पैश्चुरल ग्रुप्स था, दूध पीने वाले लोग थे, डिस्टेंस मेजरमेंट जो आज हम सेंटीमीटर मीटर यूज करते हैं, उस टाइम पे उस डिस्टेंस मेजरमेंट को ये कहते थे गयुती, ठीक है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट आर्यंस का गयुती, समझ में आ गया? गयुती गाय से आया है वर्ड, ठीक है। गोमत, रिच मैन, अगर समाज में कोई बहुत अमीर बंदा होगा तो उसको गोमत कहते थे। गोमपति, किंग, ठीक है, किंग को कहते थे। दूहत्री, मिल्क रेरर, जो दूध निकालने वाला उसको दूहत्री कहते थे। और ये मत सोचना यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, पक्का आएगा क्वेश्चन। मुझे भी ऐसा लगता था ये सब कौन पूछ सकता है, फिर मुझे एक बार झटका लगा। हाँ मैंने एक बार ना यूपीएससी में, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ये छोड़ दिया था, मैंने कहा ये सब कौन पूछेगा पेपर में, तो मैंने ये छोड़ दिया था। और बाकी मैंने मॉडर्न और वो सब पढ़ लिया, और बाकी सारे करंट, इसमें से चार क्वेश्चन आ गए, मेरी धजिया उड़ गई। और चार में से मैंने चारों गैस मारे और चारों से ही निकले। अब तुम समझ जाओ कि मैं किस वजह से पेपर पास हुआ, मतलब मैंने एलिमिनेट करा कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, जो मुझे लगा, मैंने उसके बारे में सोचा, कहीं कहीं पढ़ा था, क्लास में ध्यान दिया था। रिलीजन के बारे में बात करें, नेचर वर्शिपर्स थे, कि नेचर को वर्शिप करने वाले थे, मतलब नेचर की पूजा करने वाले थे। इंदिरा, गॉड ऑफ रेन एंड वॉर गॉड, बारिश के भगवान और जंग के भगवान, इंदिरा की पूजा करने वाले थे। सांची, वाइफ ऑफ इंदिरा का नाम था सांची, ठीक है, सांची, और इस सांची थी गॉडेस ऑफ एनर्जी, शक्ति की देवी। अग्नि, गॉड ऑफ फायर। वरुण, गॉड ऑफ मोरालिटी एंड एथिक्स, गॉड ऑफ फायर तो बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। मोरालिटी और एथिक्स, अच्छे कर्म करना, ठीक है, एथिक्स अपने प्रिंसिपल्स में, या अपने बनाए हुए क्या बोलते हैं, एथिक्स कहते हैं उसको, एथिक्स में जीना, अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जीना, हाँ वही वही समथिंग। पुरंदर, ब्रेक ऑफ फोर्स, पुरंदर का मतलब होता है जो भी सामने आए उसको डिस्ट्रक्ट कर दो, ठीक है। परिकृत, मेकर ऑफ पाथ, कोई रास्ता बनाना, ठीक है। जो वर्ण सिस्टम, इधर वर्ण सिस्टम आया, कास्ट के बेसिस में डिफरेंस, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, चार वर्ण हैं, क्लियर हो गया? भाई मैं कह रहा हूँ ना, तुम ये नोट्स पढ़ लोगे ना, इससे बाहर तुम्हारा कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। अब वो तुम्हारी श्रद्धा है कि तुम कैसे पढ़ते हो, ठीक है। ऋग्वेदा में कितने वॉल्यूम्स हैं? ऋग्वेदा में 10 वॉल्यूम्स हैं, मतलब 10 पार्ट्स में ऋग्वेदा डिवाइडेड है, उसमें से थर्ड और सेवेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वॉल्यूम किसने लिखा है? विश्वामित्रा, ठीक है, जिन्होंने अपने उस वॉल्यूम में गायत्री मंत्र के बारे में लिखा है। सुना है गायत्री मंत्र क्या होता है? हाँ, हाँ, वर्शिप ऑफ सन, सन के पूजा के बारे में लिखा है। सेवेंथ वॉल्यूम बताता हूँ, क्यों सेवेंथ वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है। भरता मेड विश्वामित्र प्रीस्ट बट वॉज डिसमिस्ड लेटर, भरता ने विश्वामित्र को प्रीस्ट बनाया या समाज में एक ऊंची पोस्ट दी, और बट बाद में उसको हटा दिया गया, और फिर अगले प्रीस्ट बने वशिष्ठ। सो विश्वामित्र ने एक वॉर रेस किया, एक जंग लड़ी विश्वामित्र ने विथ ट्राइब्स अगेंस्ट भरता। विश्वामित्र को हटा दिया था ना, भरता ने हटाया था, पहले बनाया फिर हटाया, वशिष्ठ बना, तो विश्वामित्र ने भरता के खिलाफ जंग लड़ी, उस बैटल को कहते हैं बैटल ऑफ 10 राज्य। सुना है 10 राज्य की लड़ाई? सुना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भरता ने एक एक दस राज्यों में से एक एक को चुन चुन के हराया, एंड भरता, भारत नाम भरता से डिराइव्ड है। हाँ जी, और ये ऋग्वेदा के 7वें वॉल्यूम पे लिखा है। आगे चले, हाँ लेटर वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड के बाद भी कुछ टाइम था, वहां पे कुछ टर्म्स यूज किए गए। जनपद, जनपद का मतलब होता है टेरिटरी, आपका जो एरिया है जनपद, ठीक है। टेरिटोरियल मोनार्की, मतलब एक रूलर होता था, मतलब एक टेरिटरी में एक रूलर होता था। मिनिस्टर्स को कहते थे रत्नेन, जो मिनिस्टर्स होते थे उनको क्या कहते थे? रत्नेन।
नो वर्ण मोबैलिटी, दैट मीन्स ब्राह्मण विल, मतलब चार वर्ण पढ़ाए ना, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, मतलब नो वर्ण मोबैलिटी, मतलब ब्राह्मण अगर बंदा जन्म होता है तो वो एक उसी में मरेगा, स्विच नहीं कर सकता. ब्राह्मण गेव लेजिटिमेसी टू क्षत्रिय, इन रिटर्न दे गेव टैक्स. ब्राह्मण ने बोला क्षत्रिय को हम मानते हैं कि समाज में अच्छे लोग हैं, और उसके खिलाफ, उसके बदले में क्षत्रिय से टैक्स लिया गया है, पैसे लिए गए. ठीक है, ब्राह्मण्स रिचुअल्स वर कंडक्टेड, ब्राह्मण ने बहुत सारे रिचुअल्स करवाते थे, जैसे यज्ञ करवाते थे. ठीक है, अश्वमेधा, राजसूया, वाजपेय. ठीक है, ये ब्राह्मण के द्वारा करवाए गए रिचुअल्स हैं. उसमें से सबसे बड़ा रिचुअल एक लिखवाया नहीं है, उपनयन, अलग लाइन में लिखवाया है. उपनयन क्या होता है, जो ब्राह्मण्स माला पहनते थे, वो पहनते ना उसको, हाँ जनेऊ, उसको उपनयन कहते हैं. ठीक है, सेक्रेट थ्रेड. क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आएगा यहाँ से, तुम मुझसे पूछ लो कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा. इस टाइम पे 8 टाइप के मैरिजेस, इस टाइम पे 8 टाइप के मैरिजेस होते थे. ठीक है, अलग अलग. ब्रह्मा, जब कोई ब्रह्मा मैरिज कहा जाता है तो कोई इंसान विदाउट मैरिज टेकिंग डाउरी, हाँ डाउरी. देवा, मैरिज विथ प्रीस्ट, किसी पंडित आदमी से शादी करने को, शादी को देवा कहते थे. असुरा, असुर, अनमैच मैरिज, दो अनमैच लोग थे, कोई बड़ा हाइट में, कोई छोटा हाइट में, कोई अच्छा नहीं दिखता, कोई वैसे, तो अनमैच मैरिज. प्रजापति, नो डाउरी, अच्छे लोग. ठीक है, गंधर्व, लव मैरिज. पंचसारा, गर्ल ऑफ अनसाउंड माइंड, गर्ल ठीक नहीं थी, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग थी. अर्षा, ब्राइट प्राइस, अर्षा मतलब लड़की से शादी करने के लिए उसको पैसे देने पड़ते थे. राक्षसा, फोर्सफुल मैरिज. तो इधर से भी क्वेश्चन आता है भाई, क्वेश्चन मैंने ना वहीं से डाले जहां मुझे, मेरे को क्वेश्चंस मिले. पोस्ट वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड का लास्ट हिस्सा अर्बनाइजेशन. हाँ हाँ वो तो तू सुनेगा भाई. अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब बिल्डिंग्स बनाना, टाउन्स बनाना, ये. ठीक है, इसके बाद बुद्धा और जैना का राइज हुआ, बुद्धिज्म और जैन धर्म का राइज हुआ, एंड मगध एम्पायर का राइज हुआ. ये सारे पोस्ट वैदिक पीरियड में गिने जाते हैं. राइज ऑफ बुद्धा. अब क्या होते हैं, क्षत्रिया ने ब्राह्मण के पावर को क्वेश्चन किया एंड रेज द वॉइस अगेंस्ट वरण सिस्टम. क्षत्रिया जो टैक्स देता था, उन्होंने कहा कि तुम कौन होते हो समाज में भाई, डिवीजन क्रिएट करने वाले, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करके. ठीक है, तो क्षत्रिया क्वेश्चंस द पावर ऑफ द ब्राह्मण्स एंड रेज द वॉइस वॉइस मतलब वर्ण सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज उठाई. दे लेफ्ट ब्राह्मण्स एंड ज्वाइंट बुद्धिज्म. इन्होंने ब्राह्मणिज्म को छोड़ के क्या ज्वाइन करा, बुद्धिज्म ज्वाइन करा. वैश्या वॉज इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बट सोशली बैकवर्ड. वैश्या वो कुछ समाज में अच्छे खासे पैसे वाले लोग थे, बट सोशल में उनको समाज में इतना ऊंचा स्थान नहीं दिया जाता था. ठीक है, सो दे लेफ्ट ब्राह्मिन्स एंड ज्वाइन बुद्धिज्म. अब देखो, क्षत्रिय बुद्धिज्म ज्वाइन कर चुके हैं, वैश्या को भी समाज में अच्छा स्थान नहीं दिया जाता था, तो उन्होंने, वैश्य लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया था. द रिचुअल्स फॉलोड बाई ब्राह्मिन्स वर कॉम्प्लिकेटेड, सो पीपल्स लेफ्ट एंड ज्वाइंट बुद्धिज्म. ब्राह्मिन्स के जो रिचुअल्स होते थे, लोगों को समझ में नहीं आता था, कभी यज्ञ करवाते थे, कभी उपनयन, कभी अश्वमेधा, कभी राजसूया, तो इतने कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स थे, तो लोग ब्राह्मणिज्म से परेशान होकर बुद्धिज्म आए. एनिमल सेक्रीफाइस फॉर रिचुअल्स वॉज एडवोकेटेड बाई ब्राह्मिन्स, मेनी पीपल वर अगेंस्ट इट एंड लेफ्ट ब्राह्मिन्स एंड ज्वाइंट बुद्धिज्म. ब्राह्मिन्स क्या बोलते थे, कभी कभी बलि चढ़ाते थे जानवरों की, तो कुछ लोगों ने ब्राह्मणिज्म को छोड़कर इस वजह से बुद्धिज्म ज्वाइन किया. बाई 1600 BC, बिलीवर्स ऑफ, मोस्ट ऑफ द बिलीवर्स ऑफ ब्राह्मणिज्म ज्वाइन बुद्धिज्म. काफी सारे ब्राह्मण्स ज्वाइन हो चुके थे, इसी वजह से बुद्धिज्म धर्म का जन्म हुआ. आ गया हमें समझ में वसीम. गौतम बुद्धा, रियल नेम सिद्धार्था, फादर्स नेम सुधाता, मदर्स नेम महामाया. सिद्धार्थस मदर डाइड विद इन 7 डेज ऑफ हिज बर्थ. 7 दिन, जन्म लेने के 7 दिन के अंदर सिद्धार्था की मदर की डेथ हो गई थी. सो इनको पाला किसने, उनकी स्टेप मदर, ठीक है, गौतमी ने. ठीक है, जो
बुद्धा को अपने जीवन में चार चीजें डिस्ट्रैक्ट कर गई थी कि जिनको अपने एक नॉर्मल व्यक्ति के जीवन से उनको एक धार्मिक जीवन में की तरफ बदलना पड़ा। एक ओल्ड मैन, एक बुजुर्ग व्यक्ति, नहीं ओल्ड मैन, हाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक सिख मैन जो बीमार व्यक्ति देखा उन्होंने, जिनसे उनको लगा यार मैं क्या कर रहा हूँ मुझे इनके लिए, कॉर्प्स, एक डेड बॉडी देखी उन्होंने, एंड एस्केटिक, व्हाट इज एस्केटिक, नास्तिक लोगों को देखा। ठीक है, एट द एज ऑफ 29 बुद्धा लेफ्ट हिज होम, 29 ईयर्स के थे जब वो बुद्धा ने अपने घर को छोड़ा। ठीक है, इस स्थिति को क्या कहते हैं, महा विनिष्कर्मा, जब वो अपने घर को छोड़ के चले गए उस स्थिति को महा विनिष्कर्मा कहते हैं। अगर बुद्धा के पहले गुरु की बात करें, अलार खान उनके पहले गुरु थे, ठीक है, अलार खान, ठीक है, और सुजाता के मेनेस लाइफ। अब रोमांटिक स्टोरी बताने का टाइम तो है नहीं, इनको एनलाइटमेंट मिली, बोधि ट्री, बोध गया बिहार, उस स्थिति को जब एनलाइटमेंट मिली, जब कोई ज्ञान मिला, उस स्थिति को निर्वाण कहते हैं। ठीक है, एट एज ऑफ 35 ही गेव इज फर्स्ट स्पीच एट सारनाथ, पहली स्पीच इन्होंने सारनाथ में दी जब ये 35 साल के थे, एंड टॉक्ड अबाउट धर्म चक्र परिवर्तन, मतलब लॉ, एक इंसान के जीवन में क्या क्या बदलाव आता है, और घूम फिर के उसी बदलाव में उस बात को, धर्म चक्र परिवर्तन का स्पीच बुद्धा ने कहाँ पे दिया था, सारनाथ पे दिया था, एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बुद्धा ने कहा होल वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोस, पूरी दुनिया दुख से भरी है। ठीक है, डिजायर इज द कॉज ऑफ सॉरो, तुम्हारा जो डिजायर है कुछ पाने की इच्छा है इसलिए तुम्हें दुख होता है। ठीक है, इफ वी एलिमिनेट डिजायर वी कैन किल सॉरोस, अगर तुम अपनी इच्छा को कम करो तो तुम्हारा दुख भी उतना ही कम होगा। एंड कैन बी अचीव्ड बाई अष्ट मार्ग, और ये आप कैसे अचीव कर सकते हो, अष्टांग मार्ग, आठ तरीके से, राइट बिलीफ, सही चीजों पे ध्यान केंद्रित करो, राइट थॉट, अच्छी तरीके से सोचो, मतलब अपनी थॉट को, प्रोसेस को राइट रखो, राइट स्पीच, अच्छे वचन दो। ठीक है, राइट एक्शन, सही काम करो, सही तरीके से, राइट लिविंग, उसके प्रति सही एफर्ट डालो, राइट डायरेक्शन में एफर्ट डालो, राइट रिकलेक्शन, अपने चीजों को रिकलेक्ट करते रहो कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है और उसको रेक्टिफाई करते रहो, एंड राइट मीडिएशन, ध्यान एकाग्रित होकर आप अपने कामों को करो, मीडिए, समझ में आ गया, इसको कहते हैं अष्टांग मार्ग। बुद्ध धर्म क्या होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे बुद्ध धर्म क्या होता है, कि जो प्रिसाइडिंग ऑफ बुद्ध, जहाँ पे मतलब बुद्ध अपनी बातें बताते हैं, तो उसको बुद्ध धर्म कहते हैं। संगा, संगा का मतलब होता है जो मॉन्क्स होते हैं, जो आपने देखा नहीं होगा ना, देखा होगा कि जो दलाई लामा जैसे लोग होते हैं, मॉन्क्स होते हैं, सुने, जो कावी ड्रेस पहन के या अलग वाइट ड्रेस पहन के वो जो जाते हैं कि जो धर्म के बारे में प्रचार करते हैं, या पंडित जो लोग होते हैं, उनको पंडित एग्जैक्टली कहा नहीं जाता, उनको मॉन्क्स कहा जाता है। ठीक है, अब क्राइटेरिया क्या होती है एक मॉन्क बनने की, अ पर्सन शुड बी एडल्ट, 18 साल से ऊपर उनकी एज होनी चाहिए, टॉर्निशिंग ऑफ हेड, बाल नहीं होने चाहिए। ठीक है, येल्लो क्लोथ्स, बुद्धा धर्म की बात कर रहा हूँ मैं, येल्लो क्लोथ्स पहनने चाहिए, बिलीव इन थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धा, बुद्धा धर्म के सारे की वर्ड्स को उनको याद रखना होता है, और उपस्ट्रा क्या होता है, सेरेमनी टू बिकम मॉन्क, कोई व्यक्ति को मॉन्क बनाने की सेरेमनी को उपस्ट्रा कहते हैं, बहुत सा, अब ये चीज करने के बाद ही आप मॉन्क बन सकते हो, उपस्ट्रा सेरेमनी जब आपको मॉन्क बनाया जाता है, उसके बाद टेकिंग शेल्टर बाय मॉन्क ऑन अ रेनी डे, वासा एक दिन आपको शेल्टर लेना पड़ता है, बारिश वाले दिन कहीं भी जाकर आपको अकेले रहना पड़ता है, और उप अवस्था कन्फेशन ऑफ मिस्टेक्स कमिटेड इन लाइफ, जो जो अपने लाइफ में गलती करी है वो आपको बताना होगा, तब आप जाके मॉन्क बनोगे। अमित कह रहा मैं तो फिर बन गया मॉन्क, बुक लिखनी पड़ेगी। बुद्धास फेमस डिसाइपल, बुद्धा का फेमस डिसाइपल आनंद है, आनंद बुद्धा के फेमस डिसाइपल है, ही हर्ज बुद्धा टू अलाउ वुमेन एज मॉन्क्स, आनंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार बोला बुद्धा को, सर विमेन को भी, महिलाओं को भी मॉन्क्स बनना चाहिए, बुद्धा एग्रीड।
गौतमी जो बुद्धा की स्टेप मदर थी, बिकेम फर्स्ट वुमेन मॉन्क, पहली वुमेन मॉन्क गौतमी बनी। महापरिनिर्वाण 483 BC, एज 80 साल के कुशीनगर में बुद्धा चल बसे। उस स्थिति को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। घर छोड़ने को महापरिनिष्क्रमा कहते हैं। जो बोध गया के नीचे एनलाइटमेंट मिली थी, ज्ञान मिला था, उसको निर्वाण कहते हैं। और 80 साल के उम्र में कुशीनगर में बोध गया के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे हो गई, तू बैठ जा पेड़ के नीचे, हो जाएगी कुछ दिन में। अरे कुछ एनलाइटमेंट होता है, आप एक ही चीज में फोकस करते हो तो उससे आपको कुछ ज्ञान मिलता है, वो हम जैसे नॉर्मल लोगों को नहीं मिलता। आज ट्राई करो, क्या पता मिल जाए। बोलो बोलो। अरे हाँ, मैंने काफी लोगों को सुना भी है। जैनिज्म, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म। जैनिज्म के सबसे बड़े व्यक्ति थे महावीरा। अगर बुद्धा ने 29 साल में घर छोड़ा तो महावीरा ने 30 साल में छोड़ा। ठीक है, एक साल और वेट किया। महावीरा लेफ्ट हिज होम एंड स्टेड विद मक्खली गोशाल फॉर 6 ईयर्स। ठीक है, मक्खली गोशाल के साथ 6 साल के लिए रहे। ही डिड नॉट बिलीव इन कर्मा, जहाँ बुद्धा कर्म पे विश्वास करते थे, ये कहते थे भगवान मेरी काम भगवान मेरी मनोकामना पूरी कर देगा, बस भगवान की पूजा करूंगा। ही बिलीव्ड इन फेथ। इन्होंने हर वक्त ये कहा कि जो सोचते हैं वो ही कर्म होना चाहिए। थॉट एंड एक्शन शुड बी सेम, वॉट एवर इनसाइट शुड बी आउटसाइड, जैसे अब अंदर हो वही आपके कर्म में दिखना चाहिए। ही गेव अवे इस चॉइस ऑफ क्लोथ्स। अगर आप देखोगे तो जैन धर्म के लोग कभी कपड़े नहीं पहनते, और उन्होंने बोला कि मैं कपड़े नहीं पहनूंगा। आफ्टर 6 ईयर्स महावीरा लेफ्ट, 6 साल के बाद महावीरा घर छोड़ के चले गए, और नहीं घर छोड़ के नहीं, मक्खली गोशाल को छोड़ के चले गए। 30 साल की उम्र में तो चले गए थे, 30 साल की उम्र घर छोड़ के चले गए, 6 साल मक्खली गोशाल के साथ रहे, उसके बाद उनको भी छोड़ के चले गए। हाँ, गुरु गुरु। अब ये नया कंसेप्ट लेकर आए, इन्होंने कहा कि आपकी सोल कॉन्टेमिनेट होती है कार्मिक पार्टिकल से। कार्मिक पार्टिकल मतलब पूछा, कार्मिक पार्टिकल क्या होता है? ठीक है, कार्मिक पार्टिकल बोला कुछ ऐसे तत्व आपके बॉडी में आ जाते हैं जिससे आपकी आत्मा कॉन्टेमिनेट हो जाती है। उसकी अवस्था बताई गई है। आश्रवा, भाई क्वेश्चन ये नहीं आएगा, हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें मतलब क्या है आश्रवा, किस चीज, क्या चीज है? जब कार्मिक पार्टिकल एंटर्स सोल, बंध, बंध मतलब कार्मिक पार्टिकल सोल को, मतलब जो अंदर कार्मिक पार्टिकल अंदर, मतलब कोई सामान नहीं गया, मतलब गलत चीज आपके अंदर आ गई है, वो आपकी आत्मा को कॉन्टेमिनेट करती है या उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है। समधारा रिमूविंग, अगर आप ध्यान केंद्रित करो, भगवान पे विश्वास करो, उसको रिमूव करने का प्रोसीजर को समधारा कहता है। निंजादा प्योर स्टेट, अब आप रिमूव करने के बाद आप प्योर स्टेट में पहले अच्छे इंसान बन गए। गुड कर्मा, गुड कर्मा के इन्होंने बताए अहिंसा, सत्य, इस असत्य क्यों लिख दिया, अस्तित्व, अस्तित्व मतलब बिलीव। हम वहां से, मेरे को तो यहां से सब कुछ असत्य लिख रहा है। अहिंसा, सत्य, अस्तित्व, बिलीव रखना, अप्रियकारा ग्रीड ना करना, मतलब ग्रीड मतलब लालच ना करना। ब्रह्मचार्य पता ही है सबको, पहले 4 कॉमन मैन के लिए, 1 2 3 4 कॉमन मैन के लिए, और ब्रह्मचार्य मॉन्क्स के लिए है, पंडित लोगों के लिए, मतलब ये ऐड हो जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा पोस्ट होता था जैनिज्म का तीर्थांकर। महावीरा 24th तीर्थांकर थे जैनिज्म के। ठीक है, फर्स्ट की बात करें ऋषभा, एंड ऋषभा के बारे में ऋग्वेदा पे भी लिखा गया है। ऋषभ थे फर्स्ट तीर्थांकर, और जिनके बारे में ऋग्वेदा पे भी लिखा गया है।
अब बुद्धा और जैना को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। बुद्धा मॉडरेट सोच रखने वाले थे कि हाँ भाई अच्छे काम करेंगे, ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट थे, नेगेटिव थे, फेथ पे जाएंगे हम, बिलीव पे नहीं जाएंगे। रिजेक्टेड द पर्सन प्रेजेंस ऑफ सोल, ठीक है, ये नहीं मानते थे, कहते थे अच्छे कर्म करो आत्मा अपने आप खुश हो जाएगी, ये कहते थे कार्मिक पार्टिकल वगैरह बोलते थे, सोल है आत्मा है, ठीक है। नो आइडल वर्शिप, दोनों ने कहा कि भाई मूर्तियों की पूजा नहीं करेंगे, इस बात में दोनों कॉमन थे। बिलीव्ड इन इनकारनेशन, इनकारनेशन मतलब इन्होंने विश्वास रखा कि नेक्स्ट बुद्धा का जन्म होगा कहीं, इन्होंने बोला नो नेक्स्ट महावीरा वोंट बी बोर्न अगेन, मैं ही हूँ आखिरी, ठीक है। इन्होंने गेनिंग नॉलेज या ज्ञान प्राप्त करने, जो बोध गया में हुआ था उसको निर्वाण कहा, और इन्होंने नॉलेज को प्राप्त करने को कैवल्य कहा, कैवल्य। और इन्होंने अपने डेथ को महापरिनिर्वाण कहा, और इन्होंने आपके डेथ को निर्वाणा कहा। समझ में आ गया, कंपैरेटिव स्टडी के लिए बनाया था। आगे चले, बुद्धिस्ट काउंसिल, जो बुद्धिस्ट की मीटिंग हुई थी, बुद्धा की, अब बुद्धा की डेथ हो गई थी, उसके बाद अपने जो बुद्धा ने चीज़ें पढ़ाई है उसको कोडिफाई करने के लिए, उनके पढ़ाई हुई प्रीचिंग्स को बुक में छापने के लिए मीटिंग करी थी। फर्स्ट काउंसिल हुआ था, उसमें आजाद शत्रु ने, जो आजाद शत्रु है उन्होंने बुलाया था, राजघर में हुआ था, ठीक है, राजघर बिहार में हुआ था, 483 BC में हुआ था। और इन इसमें तीन बुक लिखी गई थी, विनय पताका, स्तुत पताका और जातक स्टोरीज। ये इन तीनों बुक में आजाद शत्रु ने बुद्धा की जो भी पढ़ाई हुई चीज़ें, बुद्धा के बांटे हुए ज्ञान को इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। सेकेंड काउंसिल वैशाली में हुआ था, काल अशोक ने बुलाया था, ठीक है, और इस काउंसिल के प्रेजिडेंट थे सबका मीर, काल अशोक ने बुलाया था बट सबका मीर प्रेजिडेंट थे। मेजरली सारे काउंसिल का एजेंडा ये होता है कि बुद्धा की बातों को बुक्स में इंस्क्रिप्ट करना। बात ऐसी है, पूछा जाएगा विनय पताका, स्तुत पताका और जातक स्टोरीज कौन से काउंसिल में इंस्क्रिप्ट किया गया था। थर्ड काउंसिल अशोका ने बुलाया था पाटलिपुत्रा में, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। और पाटली, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था, 250 BC में हुआ था, अशोका ने बुलाया था पाटलिपुत्रा में, और बुक कौन सी थी बताओ, अभिधामा पिता का, और इसके प्रेसिडेंट थे तिसा। क्वेश्चन आएगा पक्का 110%। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ये पूछा जाएगा कि कौन कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल किसने बुलाया था, मेजरली फोर्थ बुद्धिस्ट, एक आदाश शत्रु ने, दो अशोक ने कहा बुलाया, कैसी बात कर दी, एक आदाश शत्रु ने, एक काल अशोक ने बुलाया, एक अशोक ने बुलाया, ठीक है। फोर्थ काउंसिल कनिष्क, ठीक है, कनिष्क ने बुलाया कश्मीर में, कांडाकान में वो बुलाया कश्मीर में, और इसमें बुद्धा के धर्म को हिनायान एंड महायान में डिवाइड किया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज चेंज फ्रॉम पाली टू संस्कृत। अब हिनायान एंड महायान दो टाइप के डिवीजन हुए, उसमें डिफरेंस क्या है, हिनायान ऑर्थोडॉक्स लोग थे जो कि अपने बातों पे बिलीव रखते थे, अनऑर्थोडॉक्स लोग थे थोड़ा डिफरेंट सोच रखने वाले थे। स्तूपा वर्शिपर्स, स्तूपा मतलब जो मूर्तियाँ थी, जो स्तूपा नहीं स्तूप जो कहते हैं उस पे बिलीव रखने वाले, उसकी पूजा करने वाले थे, ये आइडल को वर्शिप करते थे। इंडिविजुअल सेल्वेशन, ये अपनी भलाई को सोचते थे और ये सबकी भलाई को सोचते थे। देखो हर चीज़ को मैंने मेंशन किया है, बस यू हैव टू स्टडी। बुद्धा के टाइम की बुक्स के, विनय पिता का, स्तुत पिता का, अभिनंद पिता का एंड जातक स्टोरीज। जैन काउंसिल 3rd century BC में, जैना ने भी महावीरा की प्रीचिंग को, वो भी पीछे कहाँ रहने वाले थे, उन्होंने भी हमारा कोर्स बढ़ा दिया वरना हमें नहीं पढ़ना पड़ता, उन्होंने भी अपना काउंसिल ऑर्गेनाइज किया महावीरा की प्रीचिंग को। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन काउंसिल स्टार्ट किया, ठीक है। फैमिन हुआ महावीरा के, मतलब जैन काउंसिल क्यों था, महावीरा की प्रीचिंग को वो करने के लिए। फैमिन इन साउथ इंडिया आफ्टर 200 years ऑफ डेथ ऑफ महावीरा, ठीक है। साउथ इंडिया में एक अकाल पड़ा,
ठीक है। बद्रबाहु एक व्यक्ति थे जो साउथ इंडिया में गए, जहां पे वो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जाते थे। बद्रबाहु स्ट्रिक्ट फॉलोअर थे जैनिज्म के, ठीक है, और उनको दिगंबर कहा गया, दिगंबरा, ठीक है। और स्थल बाबू जो मगध में रुके, ठीक है, मैं जैन की डिवीजन की बात कर रहा हूँ अभी। ये इसमें ये दो ही टॉपिक है कि ऑर्गेनाइज बाई चंद्रगुप्त मौर्य, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, और एक फैमिन हुआ साधन इंडिया में, तो बद्रबाहु नामक ये भी जैन के व्यक्ति थे, ये साउथ इंडिया गए, क्यों गए, लोगों की मदद करने के, और ये बहुत फर्म फॉलोवर थे जैनिज्म के, इनको दिगंबरा कहा गया। और एक स्थल बाबू नाम के व्यक्ति थे, वो मगध में रुके, उनको श्वेतांबर कहा गया। भाई नाम सब सुना है, सब सुना है, दिगंबर और श्वेतांबर के बीच में रिफरेंस। दिगंबर दे न्यूड दे रिमेन, कपड़े नहीं पहनते थे, और श्वेतांबर व्हाइट क्लोज पहनते थे, स्थल बाबू, ठीक है। इंडिविजुअल सेल्वेशन, खाली अपना सोचते थे, सबका सोचते थे, ऑर्थोडॉक्स नॉर्मल थिंकिंग रखने वाले लोग थे, अनऑर्थोडॉक्स कुछ अलग करने वाले लोग थे। इन्होंने क्या कहा, जैना में 24 तीर्थांकर थे, महावीर 24, इन्होंने कहा 24 तीर्थांकर में से कोई भी विमेन नहीं थी, इन्होंने कहा 24 तीर्थांकर बने उनमें से एक विमेन थी। समझ में आ गया, मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तीन रूलर के बारे में पढ़ना है, चंद, हाँ जी सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आई विल गेट द टाइम टू कंप्लीट एडिशनल नोट ऑल्सो, टुमारो देर इज अ 1 आवर क्लास। नहीं, चंद्रगुप्त आज मैंने एक्स्ट्रा क्लास लगवाई है, 3 बैच में, मतलब मेरी 6 आवर्स की क्लास है, 8 घंटे में मुझे हिस्ट्री खत्म करना ही करना है। मौर्यन एम्पायर, 3 रूलर्स थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका। चंद्रगुप्त मौर्य, आप लोगों को ब्रेक चाहिए क्या, मैंने सोचा आप लोगों को। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर की स्थापना इन्होंने करी। डिफीटेड धनानंद विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ कारनामे या उनके टाइम पे किए गए कार्य। धनानंद को हराया किसकी मदद से, चाणक्य तंत्र से, एक रूलर थे, बट हमें ये पता चलना चाहिए ना कि धनानंद को किसने हराया किसकी मदद से, ठीक है, हमें इन लोगों के डिटेल के बारे में नहीं जाना। चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म में बिलीव रखने वाले थे, बिलोंग टू जैनिज्म। सेल्यूकस निकेटर वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्यूकस निकेटर अलेक्सेंडर द ग्रेट के गवर्नर थे, ठीक है, वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य हुआ था 305 BC में, ठीक है। पूछा जाएगा सेल्यूकस निकेटर कौन थे, गवर्नर ऑफ अलेक्सेंडर थे, ठीक है, अलेक्सेंडर द ग्रेट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य वॉन एंड मैरिड द डॉटर ऑफ सेल्यूकस निकेटर, इनसे तो जीत गए चंद्रगुप्त मौर्य, अलेक्सेंडर द ग्रेट के गवर्नर को हटा के और उनकी बेटी हरा के उनकी बेटी से शादी करी। हाँ देखो, डॉक्टर थी, उनका नाम था हेलन, ऑल्सो गिफ्टेड 500 एलिमेंट, 500 एलिफेंट भी मिले डॉरी में, और क्या चाहिए। डाइड, मृत्यु हो गई उनकी, स्टारवेशन ऑफ एस शर्वन बेलगोला। स्टारवेशन मतलब इनका जो जैन का था कि आपको भूखा रहकर आपको मरना है, मतलब स्टारवेशन मतलब कुछ खाना नहीं है, सब कुछ त्याग देकर ऐसे मरना है। तो ऐसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मृत्यु हुई उनकी। सेल्यूकस निकेटर ने एक सेंट मैक्स एथनोस, ग्रीक एम्बेसडर मैक्स एथनोस को भेजा, इन्होंने रोट एक बुक लिखी इंडिका, ठीक है, इंटिका। पूछा जाता है कि किसने भेजा था मैग, इसने पहले, हाँ इसने ना ये यहाँ पे कैपिटल ही लिख दिया, मैगस्थिनिस, इंडिक मैगस्थिनिस पेपर में पूछा जाएगा। बिंदुसारा अगले, ठीक है, मोस्ट एक्सपेंशन टूवर्ड्स साउथ, ठीक है, साउथ की तरफ ज़्यादा एक्सपेंड करते थे अपने किंगडम को। 16 किंग्स को हराया था, 16 राजाओं को हराया था, ठीक है, एक्सपेंशन टिल क्या हो गया, हरा हरा के 16 लोगों को हरा दिया था, 16 राजाओं को।
हाँ बिंदु सारा, बिंदु सारा आ रहा था। फैक्ट सब सही है। हाँ वो लिखा नहीं होगा। एक्सपेंशन टिल मैसूर, मैसूर तक हरा हरा के मैसूर गए। इनके टाइम पे तक्षशिला में इनको रिवोल्ट फेस करना पड़ा। अशोक सप्रेस द रिवोल्ट, अगले थे अशोक जिन्होंने उस रिवोल्ट को दबाया बिंदुसारा के बाद। ठीक है, एम्बेसिडर थे डिमिस्कस, इन्होंने अपने एम्बेसिडर्स भी भेजे सीरिया में, डिमिस्कस और डिनोस इजिप्ट में। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा, ये ज़्यादा हो गया, मुझे भी पता है, मैं भावनाओं में बह जाता हूँ। अशोक जिसका अमित वेट कर रहा था। ठीक है, सिविल वॉर, इनके टाइम पे बहुत सारी वॉर्स हुई थी। ग्रेटेस्ट मॉडर्न रूलर्स, एक मॉडर्न रूलर थे जो कि बहुत बदलाव चाहते थे, इनको अपने भाई से ही लड़ना पड़ा ठीक है राजा बनने के लिए। कलिंगा वॉर इनके टाइम पर हुआ था 261 BC में, जिसमें बहुत खून खराब हुआ। एडॉप्टेड बुद्धिज्म अंडर पॉलिसी चेंज कर ली थी अब। ठीक है, एडॉप्टेड बुद्धिज्म, इन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो किया अंडर उपगुप्ता। उपगुप्ता के अंडर एक बुद्धिस्ट रूलर थे, उनके अंडर इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। सन महिंद्रा, डॉटर संगमित्रा, इनके बेटे का नाम महिंद्रा था, डॉटर का नाम संगमित्रा था। सेंट टू सीलोन, अभी जो सीलोन है उस कर पूछा जाता है कि सीलोन अभी का श्रीलंका को कहा जाता है। विथ सैपलिंग ऑफ बोधी ट्री, इनको वहाँ भेजा गया था, मतलब इन्होंने अपने बच्चों को वहाँ भेजा। सैपलिंग ऑफ बोधी ट्री, बोधी ठीक है अपने बच्चों को सिलोन भेजा जो आज का श्रीलंका है। सैपलिंग्स ऑफ बोधी ट्री एज अ पीस गेस्चर भेजा। ठीक है, और इनका नाम था देव प्रिया, इनको देव प्रिया और प्रिया दर्शनी के नाम से भी जाना जाता था। वो वाली प्रिया दर्शनी जी, जवाहरलाल नेहरू की बेटी की प्रिया दर्शनी। हाँ तो मैं, तुम गलत समझ जाओ फिर तुम मेरे को। भाई इतने बढ़िया रूलर थे, अब तुम उसको क्वालिटी थी भाई, अपने किंगडम को रूल करो अच्छे से, सम्राट थे। क्या जीता था? देखो बिंदुसार ने शुरू किया होगा, बिंदुसार हाँ खत्म करा होगा। ये वैसे ही हो गया ना कि दिल्ली मेट्रो शुरू किसने किया था और खत्म कर उसका। हाँ मैं समझ गया, मैं वो बता रहा हूँ कि शुरू उन्होंने किया होगा, खत्म इन्होंने किया होगा। देखो मैंने खुद लिखा है ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉडर्न रूलर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉडर्न रूलर, और आप खुद कह रहे हैं अशोक सम्राट थे, मैं तो यही तो कह रहा हूँ। ठीक है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल कैसे होता था? ठीक है, किंग प्लस सपोर्टेड काउंसिल मंत्री परिषद, एक किंग होते थे और सपोर्टेड काउंसिल या मंत्रियों के परिषद होते थे। किंग जो है अपने प्रोविंस को, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी और बाकी क्षेत्रों में बांट दिया जाता था, 1 2 3 करके प्रोविंसेस में, ऐसे प्रोविंसेस में क्षेत्रों में बांट दिया जाता था जिससे वो आराम से रूल कर सकते। प्रोविंस को गवर्नर रूल करते थे, हु रिपोर्टेड टू किंग, हर प्रोविंस के गवर्नर किंग को रिपोर्ट करते थे जिनसे उनको आसानी हो। काउंसिल में कौन कौन होते थे? युवराज जो यंग राजा थे, ठीक है, सेनापति बताने की जरूरत तो है नहीं,
पुरोहित पंडित आत्मी जो कि ज्ञान बांटते थे, अदर मिनिस्टर्स फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ होता था। अगर आप प्रोविंसेस की बात करो तो नॉर्थ उत्तर पराठा प्रोविंस तक्षशिला, ठीक है, साउथ, इनके प्रोविंसेस मैंने कहा ना पांच क्षेत्रों में बांटे गए थे, वो पांच क्षेत्र है साउथ दक्षिण प्राथा स्वर्णगिरी, मतलब ये जगह किस मैप में कौन सा लोकेशन है ये बताए गए, ये नाम बताए गए, ठीक है। वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न अवंती चैत्रा उज्जैन, साउथ कलिंगा तोशीला, सेंट्रल प्रांची पाटलिपुत्रा, ये याद रख लेना। ये सब तुम पढ़ लोगे ना तो मैं कोई भी पेपर में फेल नहीं कर सकता। आते हैं तीन चार क्वेश्चन आते हैं सब, इसलिए तो मैंने पहले पढ़ाना ही ये चाहिए, बट उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसलिए। रेवेन्यू, पैसे कहाँ से आते थे? एग्रीकल्चर टैक्स कलेक्ट करते थे, लैंड रेवेन्यू, वाटर टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है, टोल टैक्स भी कलेक्ट होता था, टैक्स फॉर से, हाँ भाई टोल टैक्स भी कलेक्ट होता था, टैक्स फॉर सेलिंग गुड्स इन मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर में अगर कोई भी व्यक्ति अपना गुड्स आके बेचता था उसमें भी टैक्स देना पड़ता था। सप्तांग, सप्तांग मेंशन इन अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में सप्तांग के बारे में लिखा होगा, सुना तो होगा बट पता नहीं होगा। सप्तांग का मतलब है राजा, किंग को कहा जाता था, दुर्ग फोर्ट अपने किले को दुर्ग कहा जाता था, जनपद टेरिटरीज पहले भी बताया था, अमित्य सेक्रेटरीज अपने किंग के अंडर जो सेक्रेटरीज होते हैं उसका अमित्य, कोषा ट्रेशरी को कहा जाता था, ठीक है, मित्रा एलाइज दोस्तों को कहा जाता था, और सेना आर्मी को कहा जाता था, अर्थशास्त्र में मेंशन्ड है ये, अर्थशास्त्र वाली चीजें तो मुझे पता है। मौर्यन लिटरेचर इंडिगा मैगस्थनीस ने लिखा था, ठीक है, अर्थशास्त्र चाणक्य और कौटिल्य एक ही बात है, ठीक है, और पंचतंत्रा विष्णुगुप्ता ने लिखा था, पंचतंत्र स्टोरीज विष्णुगुप्ता ने लिखा था। आर्किटेक्चर की बात करें, किस टाइप का आर्किटेक्चर होता है, कार्व्ड एलिफेंट्स, एलिफेंट्स थे, सांची स्तूपा, ठीक है, फोर आइकॉन कैपिटल, मतलब इनके टाइम पे क्या क्या आर्किटेक्चर बने, कार्व्ड एलिफेंट्स, एलिफेंट्स बने, ठीक है, एलिफेंट्स की मूर्तियां बनी, सांची स्तूपा की स्थापना हुई मौर्यन एम्पायर के टाइम ने, फोर आइकन कैपिटल, एक लाइन कैपिटल, एक बुल कैपिटल, चार लाइन का क्या बताओ? अरे तुमने वो अशोक स्तंभ देखा नहीं है जिसमें चार, हाँ 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 वो इन्हीं के टाइम पे बना था, और यही मैं पूछ रहा हूँ, वन लाइन कैपिटल एक शेयर वाला भी, और वन बुल कैपिटल वो भी बना, चार रॉक एडिक्स पत्थर पे इंस्क्रिप्ट करे जाने वाले चार पाए गए इनके टाइम पे, सात पिलर एडिक्स, अगर आप, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, कौन से पिलर में क्या लिखा है वो भी पढ़ना पड़ेगा, बट इसमें इसमें नहीं पढ़ना, पिलर एडिक्ट्स मतलब उसमें क्या क्या लिखा है। संगम एज, संगम एज 200 BC सदर्न साइड में पाया जाता था, ठीक है, कैपिटल चोलास पांड्यास और चेरास, पेपर में क्वेश्चन आता है तो मैंने क्या करा, तीनों को अलग ना पढ़ा के एक साथ वो कर दिया, कैपिटल चोलास का था उरवियूर, ठीक है, चेरास का था वांजी, ठीक है, और पांड्यास का था मदुरई, ठीक है, लोकेशन कहाँ है, नॉर्थ ऑफ तमिलनाडु, TNA, ठीक है, नॉर्थ ऑफ तमिलनाडु, चेरास का केरला और पांड्यास का तमिलनाडु, ये सदर्न पार्ट की बात हो रही है भारत के, ठीक है, रूलर्स थे चोलास के करिकला, ठीक है, चेरास के संगवेटन एंड पांड्यास के नंदुजलियन, ठीक है, फेमस किस चीज़ के लिए था, कॉटन ट्रेड के लिए था, इन्होंने कुछ किया नहीं, ये पिरल्स के लिए था, मोतियों के लिए। एम्ब्लम्स, टाइगर, इनका टाइगर एम्ब्लम था, इसका बॉ एम्ब्लम था, इसका फिश एम्ब्लम था, आई एम गोइंग फॉर द एडिशनल नोट्स टू। गुप्ता एरा, फाउंडर श्री गुप्ता, सन ऑफ श्री गुप्ता घटोत्कच, ठीक है, फाउंडर श्री गुप्ता थे, उनके सन का नाम था घटोत्कच, ठीक है। सम ऑफ द ग्रेट गुप्ता रूलर्स, कौन कौन ग्रेट गुप्ता रूलर्स थे, चंद्रगुप्ता वन,
रूल स्टार्टेड इन 320 AD, अब AD में आ गए, रूल्ड ओवर मगध, प्रज्ञात और साकेत, तीन जगह पे इन्होंने रूल किया, मगध, प्रज्ञात, प्रज्ञात अलाहाबाद, प्रयाग अलाहाबाद, साकेत, ठीक है, यूपी में ही वहाँ रूल किया। समुद्रगुप्ता वन, सन ऑफ चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्ता चंद्रगुप्ता के बेटे थे, चंद्रगुप्ता वन के, इनके बारे में हमें कहाँ से पता चला, अलाहाबाद में एक इंस्क्रिप्शन है वॉल पे लिखा हुआ है, उनके बारे में हमें ऐसे पता चला कि यहाँ पे एक रूलर ऐसे थे। समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है, कि क्या फाउंडर थे, गतोत्कच उनके बेटे थे, नहीं तो मैं लिखा है ना सम ग्रेट गुप्ता रूलर्स के बाद में, अब तुम्हें पूछा जाए कि नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन है, समुद्रगुप्त है, और इन्होंने जावा और सुमात्रा, जो इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा है उनको कैप्चर कर लिया था, उनको लूट लिया था, ठीक है। इनको एक और नाम से जाना जाता है, धर्म प्रसार बंधु, धर्म को, अपने धर्म को प्रचार करने वाले व्यक्ति थे ये समुद्रगुप्ता, ठीक है। चंद्रगुप्ता टू, इनको विक्रमादित्य का टाइटल मिला हुआ था, ठीक है। फर्स्ट गुप्ता टू इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन्स, ये पहले गुप्ता थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स का इंट्रोड्यूस किया। नवरत्न एट हिज कोर्ट इन उज्जैन, इनके नौ रत्न लोग थे, नौ ज्ञानी लोग थे जो उनके उज्जैन के कोर्ट में थे, उन अपने को कहते थे कि नवरत्न है मेरे ये। फाहियान, जो चाइनीज ट्रैवलर आए थे, चाइनीज पिलग्रिम आए थे, वो इनके टाइम पर आए थे चंद्रगुप्त टू के। अब बताओ तुम इससे बाहर तुम्हें क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा। कुमार गुप्त, फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, किन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की, कुमार गुप्त, फॉट विथ हूना ट्राइब ऑफ मंगोल एंड डाइड, मंगोल के हूना ट्राइब के साथ इन्होंने लड़ाई की और इनकी मृत्यु हो गई। स्कंद गुप्त, ऑल्सो गॉट टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, इनको भी विक्रमादित्य का टाइटल मिला था, फॉट विथ हूनास टू टाइम्स। लास्ट रूलर कुमार गुप्त थ्री, इन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया, तो इनका ऐसे ही खत्म। पोस्ट गुप्ता, गुप्ता एरा के बाद क्या बोलते हैं, नॉर्थन इंडिया में वर्धाना एम्पायर आया गुप्ता एरा के खत्म होने के बाद, और सदर्न इंडिया में चालुक्यास और पल्लवास आया, ठीक है। वर्धाना एम्पायर के फाउंडर थे पुष्पभूति वर्धना, ठीक है, और प्रभाकर वर्धना, ठीक है, प्रभाकर वर्धना वन, एक मिनट, अच्छा ओके, हाँ मेरे को यहाँ से दिख नहीं रहा ना, फाउंडर लाइट लगती है तो रिफ्लेक्ट होता है, फाउंडर पुष्पभूति वर्धना थे, ठीक है, प्रभाकर वर्धना वन, राज्य टू, हर्ष थ्री और राजश्री, ये सारे वर्धना एम्पायर के रूलर थे, इसको ऐसे लिखना चाहिए था। रूल्ड ओवर थानेश्वर, इन्होंने थानेश्वर में रूल किया, ठीक है। राजश्री मैरिज टू किंग ऑफ कनौज, कनौज की राजश्री जो थी उन्होंने कनौज के राजा से शादी करा। राज्य फॉट विद देव गुप्ता एंड शशांक एंड गॉट किल्ड, राज्य ने देव गुप्ता और शशांक के साथ लड़ाई करी और वो मर गए। हर्षा बिकेम रूलर एट द एज ऑफ 16, ठीक है, हर्षा 16 साल के एज में रूलर बने, ही डिफीटेड शशांक एंड स्प्रेड द एम्पायर। अब इनके टाइम पे ह्यून सैंग आए इंडिया ड्यूरिंग इस टाइम, हाँ ठीक है, ये हर्षा के बारे में बात हो रही है, एंड इनको शिलादित्य के टाइटल मिला, एंड बुक ऑफ ह्यून सैंग इज सियाकिया, ह्यून सैंग ने जो बुक लिखी थी उनका हर्षवर्धन ह्यून सैंग, हाँ, और उन्होंने जो बुक लिखी थी वो सियाकिया, हाँ। सदर्न इंडिया में, हाँ बस कल का एक घंटे आधे घंटे के लेक्चर में आपका हिस्ट्री समाप्त।